हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर टू एंड यूनिट नंबर थ्री एक्चुअली मैंने पहले क्या सोचा था पता है कि मुझे लगा कि थ्री आवर्स में आई शुड बी एबल टू कम्प्लीट दिस बिकॉज इवेंचुअली देर इज अ लॉट ऑफ थियोरी देर आर नो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एज सच इन्वॉल्व इन दिस चैप्टर फॉर दैट मैटर ओके बट देन गाइज आई थिंक इट इज़ क्वाइट लेंदी एंड एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो दैट एट अ स्ट्रेच अगर मैं इतना सारा करवाऊंगी ना तो शायद तुम इतना रजिस्टर नहीं कर पाओगे एंड दैट इज़ वाई वी थाट दैट Uh, we should break the whole chapter into two lectures for that matter and i think uh, we did correct uh, it was a correct decision on our part for that matter so next one is government intervention in case of merit courts अब ये वाला जो पार्ट आएगा ना ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा और इतना लेंथी भी नहीं है बट हैग दे थ्री फोर आर देयर एंड सो वी हैव टू डिस्कस सो जस्ट होल्ड ऑन टू टू थ्री पॉइंट्स एंड इफ इट ऑल इट कम्स इन द पेपर दो तीन पॉइंट को पकड़ लेना ओके okay, और उसके हिसाब से तुमको बातें करनी है तो मैंने दिए ये पॉइंट्स वैसे तो एंड अकॉर्डिंगली तुम आगे बढ़ना है तुम्हें पहले लेकिन समझना भी पड़ेगा डिस्कशन चालू कर रही हूँ वॉट आर मेरिट गुड्स मेरिट गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं विच आर हाईली सोशली डिजायरेबल मतलब सरकार ये चाहेगी कि इनका कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ओके दैट मीन्स द मार्जिनल सोशल बेनिफिट ऑफ द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अ मेरिट गुड इज मच अबव इन कंपेरिजन टू द मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट आई बात समझ में Okay, so what are those goods and services? I'm sure you can answer me one or two points for that matter: healthcare, then education, then waste management system, then museum, then public parks, and all that. So if the government does not intervene, there would not be enough consumption and production of these kind of goods and services for that matter. And they are highly socially desirable because that will lead to the economic development of the country and for the larger good of the people for that matter. Okay. Kaibari hota. हमें पता है ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं कि एजुकेशन आज के ज़माने में वैन पीपल आर टू इन्फॉर्म्ड ऑल्सो दे नो दैट एजुकेशन इज लाइक रिक्वायर्ड फॉर द ये अपनी तरफ से बोल रही हूँ मैं ओके लेकिन अफोर्डेबल नहीं होता है बिकॉज द डिस्पोजेबल इनकम पर कैपिटा इनकम फॉर दैट मैटर इन इंडिया इज टू लो फॉर अ पर्टिकुलर गुड चंक ऑफ द सोसाइटी एक्चुअली तो इफ यू इफ दे के नॉट गार्नर फंड्स इफ दे के नॉट कलेक्ट फंड्स इफ दे के नॉट इफ दे डो नॉट हैव एनफ डिस्पोजबल इनकम टू टेक केयर ऑफ फूड शेल्टर एंड क्लोदिंग एजुकेशन उनके लिए एक लग्जरी हो जाती है लेकिन आप ओवरऑल इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से देखोगे ना तो ये एक लग्जरी नहीं है एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है आई एम शॉर यू आर एबल टू रिलेट विद डैट ओके ये तो एक पॉइंट हो गया ओके okay. दूसरी बात सो इफ लेफ्ट टू मार्केट मैकेनिज्म कम्प्लीटली देर वुड नॉट बी एनफ कंजशन एंड एन ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ लाइक सोशली डिजायरेबल लेवल जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा एंड डैट इज़ वाई गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरवीन एंड डू समथिंग अबाउट इट ओके सो दैट इनका कंजम्पन और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए इसमें एक पॉइंट और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉइंट इम्पॉर्टेंट यह है कि मेरिट गुड्स आर नॉट प्योर पब्लिक गुड्स ओके दे आर एक्सक्लूडेबल मतलब आपको कोई चाहे तो आपको मतलब स्कूल में अगर आप फीस नहीं पे करोगे तो आपको बोलेगा नहीं आप स्कूल में नहीं रह सकते आप छो आपको स्कूल से नाम हटाना पड़ेगा अपना दैट वे तो इट इट इज़ लाइक दिस गुड इन कंज्यूमिंग दिस गुड्स एंड सर्विसेज दे आर राइवल इन नेचर दे आर एक्सक्लूडेबल दे इन्वॉल्व सम एक्स्ट्रा मार्जिनल कॉस्ट यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए पैसा खर्च करना कुछ पैसे खर्च होते हैं ओके okay? दूस और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है दैट रिजेक्टेबल है मतलब अगर हम पैसा पे नहीं करेंगे हमारे पास एबिलिटी टू तो पे नहीं है तो वी वुड बी रिजेक्टेड फ्रॉम द कंजशन ओके एंड दैट इज़ वाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड और मस्ट डू सम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वेयर इन दीज काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड एंड नॉट लेफ्ट हंड्रेड परसेंट टू द मार्केट मैकेनिज्म ओके तो क्या तरीके हैं अगर सरकार चाहे तो क्या तरीके से सरकार इसके अंदर में यू नो हेल्प कर सकती है तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है तुमको पता है एक बात बहुत बार मेरिट गुड्स का कंजम्पशन इसलिए भी नहीं होता है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर आर यू अवेयर ऑफ़ द फैक्ट दैट देर आर मेनी लाइक गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दैट मैटर फॉर एग्जाम्पल कोविड इतने इतना बड़ा एग्जाम्पल हो गया पता है तो मैं सी ए फाइनल में पढ़ाऊँ सी ए इंटर में पढ़ाऊँ या सी एम ए में पढ़ाऊँ मैं जहाँ भी पढ़ाऊँ कोविड हर सिचुएशन में सेट हो जाता है ओके okay? तो और एंड इट इज सो डैम रिसेंट दैट इट कम्स टू योर माइंड अगैन एंड अगैन एंड इंसान कभी शायद उसको भूल नहीं पाएगा एटलीस्ट जिस जिसने फेस किया वो तो नहीं भूल पाएंगे ओके सो इफ यू थिंक अबाउट कोविड ओके सो कोविड के लिए गवर्नमेंट ने इतनी सारी एक मेरिट गुड है राइट हेल्थ केयर है ना इट इज़ अ मेरिट गुड फॉर दैट मैटर तो कोविड के लिए गवर्नमेंट ने कितनी सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रखी है राइट right? कि आप आप आरोग्य सेतु ऐप है तुम्हारे पास में जिसमें आप इन्फॉर्म करो कि भाई तुम और गवर्नमेंट कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आरोग्य सेतु पे देती है ना कैन यू कैन यू नॉट सी दैट कि मोबाइल पे तुम्हारे आरोग्य सेतु ऐप में कितनी सारी इंफॉर्मेशन आती है कि कितने लोग तुम्हारे आसपास में कोविड इन्फेक्टेड है इन इन दिस इज डोंट यू थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सक्सेस इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ने किया है आरोग्य सेतु के थ्रू दैट्स अ वेरी वेरी इट्स अ मीडियम ऑफ इन्फॉर्मेशन डिसिपिएशन मैं ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल रही बिकॉज आई डोंट नो हाउ मच यू विल बी एबल टू रिलेट इन्फॉर्मेशन क्या देता है तुम्हें कितनी तरह की इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको कोविड वैक्सीन लेनी है आप रजिस्टर करो ओके okay, आपको आप इन्फेक्टेड हो तो आप uh, उसमें रजिस्टर करो आप बताओ आपको आकर के म्यूनसपैलिटी वाले नो काइंड ऑफ हेल्प करेंगे आपको हॉस्पिटल्स में एडमिशन uh, ले कर देंगे एंड दैट टू ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट सो

कंज्यूम्ड बाई एवरी बडी इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एबिलिटी टू पे इट्स नॉट लाइक एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल आई मीन देर टू थ्री एग्जाम्पल्स आर लाइक क्लेश इसका मतलब होता है वही दो तीन एग्जाम्पल जबान पर भी आते हैं कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में ओके तो ऐसे अब सपोज करो किसी को कोविड हो गया तो थोड़ी ना तुम बोलो कि उसका इलाज तुम इसलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज उसकी एबिलिटी टू पे नहीं है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ना तुम सोच के देखो कि इसमें दो चीज़ें हैं नंबर वन अगर वो बंदा इन्फेक्टेड रहता है तो कितने सारे लोगों को इन्फेक्ट करेगा नंबर टू एज अ सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री ही हैज़ राइट्स टू गेट सम हेल्थ सर्विसेज फॉर दैट मैटर एंड इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन हिज एबिलिटी टू पे ओके सो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन फेलियर से बचा सकती है सरकार नंबर जो प्राइवेट मैकेनिज्म के थ्रू नहीं हो सकता वो कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं बताने में कि तुम्हारे आसपास में कितने कोविड के पेशेंट्स एंड ऑल दैट ओके देन पॉइंट नंबर थ्री पीपल एट लार्ज इन जनरल पीपल ओके मैं पीपल की जब बात करें तो हम सबकी बात कर रही हूँ वी कैन नॉट प्लान एंड डिसाइड द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर सर्विसेस अगर सरकार चाहे तो इंश्योरेंस को कम्पल्सरी कर सकती है क्योंकि एज अ लेमैन एज अ ले मैन हम लोग या और भी बहुत सारे लोग दे आर नॉट इंफॉर्म्ड एनफ एंड दे आर नॉट लाइक एजुकेटेड एनफ When I say educated, I don't mean to say whether they have gone to the school or not. Okay, I mean to say they do not have enough information with respect to the fact that किस नेचर में उनके पास रिक्वायरमेंट आएगी और उस समय वो अफॉर्ड uh, नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए? उनको प्लानिंग करनी चाहिए, उनको इंश्योरेंस लेना चाहिए और ऑल डेट। So government can plan and government can do such kind of arrangement in a more better manner. Okay, अब अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस हो रहा है हैं पहले मैं मैप करा दूँ तुमको तुमको एक आइडिया तुमको थोड़ा सा कंट्रोल मिलेगा उससे कि किस तरह से पॉइंट्स मूव कर रहे हैं ओके मेरिट गुड्स आर गुड्स विच आर डीम्ड टू बी सोशली डिजायरेबल एंड देयर फॉर द गवर्नमेंट डीम्स दैट इट्स कंजम्पशन शुड भी एनकरेज बिकॉज सबस्टैशियल पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ आर इन्वाल्व इन द कंजम्पशन ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसज यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट एग्जाम्पल्स ऑफ मेरिट गुड्स इंक्लूड एजुकेशन हेल्थ केयर वेलफेयर सर्विसेज हाउसिंग फायर प्रोटेक्शन वेस्ट मैनेजमेंट पब्लिक लाइब्रेरीज म्यूजियम एंड पब्लिक पार्क्स राइट In contrast to pub pure public goods, merit goods are rival, excludable, limited in supply, rejectable by those unwilling to pay, and involve positive marginal cost for supplying to extra users. right? Merit goods can be provided through the market but are likely to be underproduced and underconsumed. The additional reasons, the additional reasons why government should try to provide the merit goods. Number one, if the government does not provide then that might lead to information failure that government can only provide free of cost kyun government us aadmi se bole ki aap pay karo wo to pay kar nahi sakta lekin sarkar ko cost to lagta hai to sarkar kaise recover kar sakta hai sarkar budgetary allocations के through इसकी जो cost है वो meet कर सकते हैं. private या market mechanism में taxes के through नहीं किया जा सकता. so government can provide for a free okay then equity considerations demand that merit goods such as health and education should be provided free on the basis of need rather than on the basis of indi individuals' ability to pay. who can do this? nobody can do except for government. because if you charge, they will not be able to pay. and they are, if not able to pay, you, you need to exclude them. but do you want to exclude them? that is the biggest point to be discussed here. okay. there is a lot of uncertainty as to need for merit goods. ड्यू टू अनसर्टानिटी अबाउट द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ हेल्थ के रिक्वायर्ड इन इन फ्यूचर इंडिविजुअल्स में भी अनेबल टू प्लान देर एक्सपेंडिचर एंड सेफ फॉर देयर फ्यूचर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स अगर तुम बोलोगे मैम रिकैप करवाओ तो प्लीज आप तो रिकैप कराती हो सबसे पहला पॉइंट तुमको ये ये बताना है कि मेरिट गुड क्या होता है मेरिट गुड्स क्या होते हैं ओके okay? और उसका नेचर क्या होता है तो मेरिट गुड्स और दो गुड्स विच हैव गॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव साथ में बोलोगे तो अच्छा रहेगा हीज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ एंड द मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज मच हायर इन कंपेरिजन टू द मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट एग्जाम्पल्स तुम दे सकते हो मुझे बताने की जरूरत नहीं है यह पॉइंट नंबर वन हो गया पॉइंट नंबर टू मेरिट गुड्स अनलाइक प्योर पब्लिक गुड्स अगर प्योर पब्लिक गुड होगा तो वो तो सरकार देगी ही देगी उस वक्त तो मार्केट मैकानिज्म है ही नहीं वैसे भी लेकिन मेरिट गुड्स आर नॉट पब्लिक गुड्स बट मेरिट गुड्स में सरकार को क्यों आना चाहिए वो बात हो रही है यहाँ पे दे आर नॉन राइवल दे आर राइवल सॉरी दे आर राइवल दे आर एक्सक्लूडेबल दे इन्वॉल्व Extra cost for some extra unit. and there is a marginal cost for every incremental unit, and they are rejectable. Okay. So because of this, because of this, if they, somebody does not have the ability to pay, then he would be rejected, and he would not be able to consume. Whereas we want that these kind of services must be maximum level consumed and produced. The point number two. Ho gaya. अदर रीजन्स वाई गवर्नमेंट शुड इंटरवेन अदर रीजन नंबर वन एक ही पॉइंट के अंदर आएंगे तीन पॉइंट नंबर वन इंफॉर्मेशन के लिए देर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर बिकॉज द प्राइवेट और द मार्केट मैकेनिज्म इज नॉट एफिशियंट एनफ टू प्रोवाइड एनफ इंफॉर्मेशन टू द पीपल एट लार्ज फॉर एग्ज़ाम्पल आरोग्य सेतु ऐप दैट इज़ द बिगेस्ट एंड द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल विच आई कैन रिकॉल एट दिस मोमेंट आरोग्य सेतु ऐप की वजह से कितने सारे लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके आस पास में कितने कोविड पेशेंट्स हैं आपको अगर कोविड हो गया है तो आप कहाँ पर रजिस्टर करो आप म्यूनसपैलिटी को आप इन्फॉर्म करो एंड सो ऑन सो फोर्थ राइट उसके बाद अगर आपको कोविड वैक्सीन लेनी है तो आप रजिस्टर कर सकते हो ये सारी चीज़ें कोई और नहीं करेगा सरकार ही फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकती है राइट सो इंफॉर्मेशन अवेयरनेस इज अ लॉट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली सो मैक्सिमम पीपल मैक्सिमम पीपल जो लेमैन क्राउड होता है ओके okay, वो मैक्सिमम सरकार के सर्विसेज को इसलिए भी अवेल नहीं कर पाते बिकॉज उनको पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है पॉइंट नंबर टू सम some uh, merit goods like education and health must be given for free which is not possible to be a part of market mechanism it cannot be provided through market mechanism and number three people at large do not know the nature and the timing of the requirement of few very essential merit goods for that matter for that matter government can plan and compel them to take regulate some रिक्वायर्ड स्टेप्स नॉट रेगुलेटरी रिक्वायर्ड स्टेप्स लाइक दे केन फोर्स देम टू टेक इंश्योरेंस फॉर देट मैटर अब अगला जो पॉइंट आ रहा है उसमें डिस्कशन क्या आएगी पता है? उसमें डिस्कशन ये आएगी कि व्हाट उड गवर्नमेंट डू इफ देर इज एन अंडर प्रोविजन ऑफ मेरिट कोड सरकार क्या क्या कर सकती है उंगलियों पर गिनो अपने सबसे पहली बात गवर्नमेंट कैन गवर्नमेंट कैन यूज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ओके सब्सिडीज

मैं तुमको वैक्सीन का ही बोल रही थी सीरम इंस्टीट्यूट जो है तुम्हारे पुणे में अदर पुणे वाला की जो कंपनी है गवर्नमेंट ने उनके साथ पार्टनरशिप करी उनको ये नहीं बोला कि आप फ्री में दे दो उनके साथ पार्टनरशिप किया जिस हॉस्पिटल्स में अवेलेबल थे ये सारी वैक्सीन्स एंड ऑल उनके साथ गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप किया कि भाई आप आप अगर हजार रुपये की वैक्सीन का आपका कॉस्ट है तो आप एक काम करो आप थोड़ा मुझसे लो सारा आप चार्ज मत करो उससे क्या होगा प्राइस कम होगी तो ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे और कंज्यूम करेंगे और सरकार एक्चुअली यही चाहती है राइट दैट वे तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सब्सिडीज पार्टनरशिप विद द मार्केट मैकेनिज्म और प्रोवाइड ऑन योर ओन ओनली द गवर्नमेंट कैन डू दैट फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कैन एक्चुअली नो वॉट एल्स गवर्नमेंट कैन डू गवर्नमेंट कैन एक्चुअली कंपेल का फॉर एक्जाम्पल गवर्नमेंट कैन कंपेल यू टू बाई इंश्योरेंस गवर्नमेंट कैन पास रेगुलेटरी लाइक लीगल रे, एंड कंपलसरी रेगुलेशन बना सकती है आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा आपको सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी ये क्या हो गया कंपलसरी आप इन गुड्स को कंज्यूम करने के लिए लोगों को आप फोर्स कर रहे हो जिसकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ बहुत ज़्यादा है उसके अलावा कंपलसरी एजुकेशन फॉर चाइल्ड फ्रॉम सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स ओके इट इज़ अ कंपलसरी ये बच्चे का राइट है कि उसको कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए सो ऑल दीज आर द वेज वेयर गवर्नमेंट कैन पिच इन पिच इन मतलब अंदर आ सकती है ओके गवर्नमेंट कैन पिच इन एंड ट्राई टू सी टू द फैक्ट दैट मैक्सिमम कंजम्पन एंड प्रोडक्शन ऑफ दीज काइंड ऑफ मेरिट मेरिट गुड्स हैपन बिकॉज बिकॉज ऑफ़ द काइंड ऑफ एक्सटर्नलिटीज़ इट प्रोवाइड्स ओके एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें मेरिट गुड्स को तो देर वुड बी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कंज़म्पशन ऑफ दिस काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओके लीडिंग टू इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एक्चुअली तो ये सब था गएस आई थिंक दिस इज़ डन इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है पॉइंट बाई पॉइंट याद कर लेना खत्म हो जाएगा now the possible government responses to under provision of merit goods are regulation subsidies direct government provision and combination of government provision and market provision I for example government may make it compulsory to avail insurance protection, compulsory immunization may be insisted upon as it helps not only the individual but also the society at large government could also use legislation to enforce the consumption of a good which generates पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज यूज़ ऑफ हेलमेट्स सीट बेल्ट एंड एक्सेट्रा का मैंने बहुत कट शॉर्ट किया है इसको बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स है वट आई एम श्योर जो कोर पार्ट लिखा था तो तुम उसके अराउंड थियोरी बिल्डअप कर सकते हो ओके एंड एडिशनल ऑप्शन इज टू कंपेल इंडिविजल्स टू कंज्यूम द गड्स और सर्विस दैट जनरेट्स एक्सटर्नल बेनिफिट अगर कोई सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट है तो उसको कंपलसरी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेगी द अल्टीमेट एनकरेजमेंट वुड बी टू

प्राइवेट मैकेनिज्म में ये काम नहीं हो पाएगा बिकॉज हम कोई कंपनी अपसने टैक्स मांगी तो अपन थोड़ी ना देने वाले ओके सो दिस इज अ डायग्राम कैन यू सी दैट सो ये क्यू क्वान्टी सप्लाई ये जो तुमको वर्टिकल लाइन दिख रही है ना ये सप्लाई बिकॉज किसी भी चीज़ की सप्लाई लिमिटेड होती है ओके सो वैन वैन इट इज लेफ्ट टू मार्केट दिस इज द इक्लिबरियम पॉइंट ओके बट इफ इट इज़ मेड फॉर फ्री देन जीरो जीरो कॉस्ट कर दिया देखो जीरो कॉस्ट कर दिया ना ये जीरो कॉस्ट कर दिया तो कौन, जितनी सप्लाई उससे भी बहुत ज्यादा डिमांड हुआ इन फाइनाइट लेवल पर डिमांड चली जाएगी इन खास करके इंडिया जैसी पॉपुलेशन वाली जो कंट्री है उसमें तो कहना ही क्या है ओके तो नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ अ डी मेरिट गुड्स चले आगे तो द वे आई टोल्ड यू दैट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मेरिट गुड्स आर हाईली सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट्स एक्चुअली मतलब हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट एग्जैक्टली ऑपोजिट है डी मेरिट गुड्स दे आर हाईली सोशली अनडिज़ायरेबल लाइक बोलो क्या क्या खुद से चार चार तो बोलो सिगरेट्स एल्कोहल देन ड्रग्स एंड सो मैनी थिंगस आई आई कॉन्ट इमेजिन सो मच ऑफ एक एग्जाम्पल ही काफ़ी होता समझने राइट सो द मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज मच लोअर इन कंपेरिजन टू द मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट सो इफ़ इट इज़ लेफ्ट टू मार्केट मैकेनिज्म समझ में आ रही है लोगों को इतना इन्फॉर्म्ड बिहेवियर uh, लोगों का नहीं होता है कि वो इसका कंजम्पशन नहीं डू यू थिंक लोग सिगरेट का कंजम्पशन कम कर देंगे अगर उनको बोला जाएगा अरे तुमको नहीं करना चाहें ऑल दैट नो it will not happen. so if the government does not intervene, what will happen? a lot of nations' resources would be utilized through like manufacture these kind of resources. what the private sector, they are earning a lot of money on that, like gutka and pan, masala and all that. okay, they will do because they are ultimately capitalist economy is what jahan jyada paisa utana production, right? so if left to market mechanism, there will be a uh, level of consumption which is not desirable from the social point of view. And that is why it is important that government should definitely interfere and so that the usage of such kind of goods and services can be like limited or banned in certain cases for that matter. Demerit goods are goods which are believed to be socially undesirable. Examples of demerit goods are cigarettes, alcohol, intoxicating drugs and etc. The consumption of demerit goods impose.

in other words the marginal social cost will exceed the marginal market price and overproduction and overconsumption will occur causing misallocation of society's scarce resources now how will the government try to guys usko meko rectify karna It's not benefit it will be cost only okay maine flow okay now what can government do actually in order to like control the usage of demerit codes for that matter point number 1 ban कितनी सारी चीज़ें हैं जो कम्प्लीटली बैंड है फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ड्रग्स कम्प्लीटली बैंड है नंबर टू गवर्नमेंट कैन लाइक परसुवेसिव इसको बोलते uh, तरीके से बोल सकते भाई आप आप ये काम मत करो फॉर एग्जाम्पल हैव यू सीन आई नॉट रिटर्न मे बी एंड एंड यू नो काइंड ऑफ नेगेटिव मार्केटिंग कैंपेन फॉर दैट मैटर नेगेटिव तरीके से ताकि लोगों को आप इन्फॉर्म करो यू आर कंज्यूमिंग बट इट इज नॉट गुड फॉर यू फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सीन अ बॉक्स ऑफ सिगरेट फॉर दैट मैटर यू विल सी अ वेरी बैड पिक्चर ऑन दैट ऑफ सम नो काइंड ऑफ थ्रोट कैंसर और समथिंग सो बेसिकली एंड यू विल सी दैट इट इज रिटर्न ऑन एवरी सिगरेट बॉक्स दैट इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ वॉट इज दिस बेसिकली वाइल द पर्सन इज कंज्यूमिंग ही इज इनफॉर्मड वी आर ट्राइंग टू दवर्मेंट इज ट्राइंग टू परसुवेट यू दैट प्लीज एंड इट इज कंपलसरी अगर तो मार्केट मैकेम पे छोड़ोगे तो वो लोग ये मैसेज वहाँ पे लिखने वाले उनके बेचने की चीज है नहीं करेंगे बट इट इज कंपल्सरी फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट कि आपको उस सिगरेट के डब्बे पे ये पार्ट लिखना पड़ेगा दैट स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ तो नंबर वन मैंने क्या बोला बैन इट कम्प्लीट लाइक ड्रग्स नंबर टू देन यू कैन डू सम लेवल ऑफ परसुवेसिव नेगेटिव मार्केटिंग और कैंपेन्स विद रिस्पेक्ट टू दैट नंबर थ्री यू कैन एक्चुअली काइंड ऑफ सम रेगुलेटरी आप फ्रेमवर्क बनाओ जहाँ पे उस एरिया में फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल्स होते हैं जैसे उसको बोलता है स्पेशल एस पी ए टी आई ए एल मतलब स्पेस हुआ उसका मतलब स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस थ्रू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ओनली कि भाई स्कूल्स के आसपास में आप सिगरेट और एल्कोहल वगैरह आप सेल नहीं कर सकते हो बिकॉज द किड्स वुड गेट अफेक्टेड ऐसा कुछ तो भी देन उसके बाद इफ़ यू नो एट ऑल इफ़ यू गो टू अ वाइन शॉप और इफ़ यू वॉन्ट टू सम लिकर शॉप और समथिंग फॉर देट मैटर दे आर नॉट अलाउड टू सेल लिकर टू किड्स बिलो एटीन आई एम श्योर यू नो दैट रातर मैं तो कहती हूँ उसको ट्वेंटी वन कर देना चाहिए नॉट दैन आई आई हैव टॉकिंग लाइक अ मदर ओनली ओके सो सो दिस काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आर पुट सो इट आई गिवन यू दे आर फाइव इन नंबर एट द एक्सट्रीम गवर्मेंट में एनफोर्स कंप्लीट बैन ऑन अ डीमेरिट गुड इन टॉक्सिकेटिंग ड्रग्स इन सच केसिसज द पोजर्शन ट्रेडिंग और कंजम्पन ऑफ द गुड इज मेड इ लिगल ओके नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जो इंडिया का है ऑफ लेट uh, कई सालों से बहुत ज़्यादा चर्चे में है बिकॉज ऑफ मैनी Uh, high profile parties wherein there is a lot of consumption of drugs for that matter i wouldn't want to name it because i want to be diplomatically correct through persuasion which is mainly intended to be achieved by negative advertising campaigns which emphasize the dangers associated with consumption of demerit goods can you see that uh, the, i think that consumption uh, smoking is injurious to health message cigarette box because <laughs> such example a negative marketing campaign through legislations that pro prohibit the advertising or promotion of demerit goods in whatsoever manner if you are aware of i don't know you are all grown up kids and i think i can share with you if you are aware of do you know that all the big liquor companies okay they are not allowed to advertise uh, liquor liquor openly on a social media like तुमने कभी भी लिकर का कोई ऐड नहीं देखा होगा रादर तुमने देखा होगा कि वो आई डोंट नो मैं मुझे लेकर के कंपनीज़ के नाम नहीं याद है बट जो भी होंगे वो सारे सोडा वाटर के तौर पे वो ऐड करते हैं लिकर का एडवर्टीजमेंट वो नहीं कर सकते दे डू आई मीन सबको पता है फॉर एग्जाम्पल uh, वो सोडा वाटर जो होता है दैट इज़ लाइक नॉट बैंड इट इज़ लाइक लेकिन वो एक्चुअली है लिकर कंपनीज़ तो बेसिकली अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो अपने लिक, हम लिकर बेचते हैं ऐसी बात ओपनली वो Uh, उसका मार्केटिंग नहीं कर सकते तो वो सोडा वाटर के थ्रू करते हैं आई एम श्योर मतलब बेसिकली यू कैन मार्केट बट यू कैन मार्केट दैट प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ प्रोहिबिटेड थ्रू सम रेगुलेशंस बिकॉज पीपल वुड नॉट गवर्नमेंट वुड नॉट वॉन्ट टू पॉपुलराइज सच कैंड कंजम्पशन बेसिकली अगर तुम तो मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट अलाउ करोगे तो क्या होएगा उससे कि लोगों को लगेगा नहीं इसका कंजम्प्शन लाइक नॉर्मल है अलाउड है तो नॉर्मल है ऐसा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ द मार्केट फॉर द गुड मे बी पुट इन प्लेस हु एज टू लिमिट एक्सेस टू द गुड स्पेशली बाई वलनरेबल ग्रुप्स अच एस चिल्ड्रेन एंड अडोलिसेंट्स रेगुलेट्री कंट्रोल्स इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस मैं क्या करती हूँ पता है जब मैं तुमको ये पढ़ाने सबोज शुरू करी राइट वन आई स्टार्ट टीचिंग यू दिस आई एम टॉक अब दिस दिस पोर्शन एज ऑफ नाउ दैट वी आर डिस्कसिंग तो आई आई जस्ट ट्राई टू रिकॉल फोटोजेनिक मेमोरी दिमाग में डेवलप कर लो तो पॉइंट्स याद रह जाएंगे तुमको वरना मुझे भी याद नहीं रहेगा मैंने तुमको बिना देखे चार पॉइंट बोले ना इफ यू कैन लाइक अगर तुम इंटेलिजेंट एन एफोर्स चीज़ को नोटिस करने के लिए मैंने तुमको चार पॉइंट बिना देखे बगैर बोला दिमाग में मैंने क्या सेट कर रखा है मैं डिफाइन करूंगी डिमेरिट गुड क्या होता है ओके और सरकार कैसे इंटरवीन कर सकती है उसके अंदर में तो उसके अंदर में पाँच पॉइंट है तो पहला पॉइंट है सबसे पहला ड्रग्स है बैंड है फिर सिगरेट के बॉक्स पर लिखा होता है समथिंग ऑफ दैट स्कूल के बारे में इमेजिन कर लिया कि ओके स्कूल के आसपास में यू आर नॉट अलाउड टू सेल सिगरेट्स एंड लिकर फॉर दैट मैटर देन वाइन शॉप में इमेजिन कर लिया ओके किड्स आर नॉट अलाउड टू बाय लिकर फॉर दैट मैटर एंड सो ऑन पाँच में से चार लिख दिया मतलब जीरो तो नहीं मिलेगा और अच्छा ही मिलेगा डोंट वरी अबाउट दैट ओके रेगुलेटरी कंट्रोल्स इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेज सेल ऑफ टोबैको टू बी अवे फ्राम द स्कूल्स एंड टाइम रेस्ट्रिक्शंस अंडर विच सेल एट पर्टिकुलर टाइम्स ड्यूरिंग द डे इज बैंड ओके ओके एक और बहुत अच्छा तरीका है डीमेरिट गुड्स को कंट्रोल करने का वो है हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड फोर फोर गुड्स एंड सर्विसेज इन द कैटेगरी ऑफ डीमेरिट गुड्स नंबर वन ऑफ लेट नंबर वन हाई एंड कार्स नंबर टू टोबैको एंड आई थिंक नंबर थ्री कुछ तो है क्या है पता है तुमको आई कैंटी मै जैसे तीन चार चीज़ जिसपे जी एस टी ट्वेंटी एट परसेंट का है एलेटेड ड्रिंक्स ऑल्सो ओके सो दीज आर फोर एक्चुअली नंबर वन क्या बोला मैंने हाई एंड कार्स बोला uh, uh, टोबैको पे पान मसाला पान मसाला ओके आई वस्ट गो फर गॉट इट ओके सो चार हो गए ना तो हाई एंड कार्स हो गया फिर टोबैको हो गया फिर पान मसाला हो गया एरेटेड ड्रिंक्स हो गए उस पर जीएसटी का कॉम्पोनेंट ट्वेंटी एट परसेंट यू कैन इमेजिन द प्राइस कहाँ जाएगी उसके यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग द टोटल प्राइस बाई थर्टी परसेंट फॉर दैट मैटर ओके दिस इज वन ऑफ द वे वेयर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल बट यू डोंट नो समथिंग यू नो वॉट वॉट इज द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज दैट द डिमांड ऑफ दीज काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इज एक्चुअली इन अलास्टिक इन नेचर

कि उसका उसको कंज्यूम करने से कितना एक्सटर्नल कॉस्ट है उसको क्वांटिफाई करना कि हम उतना ही एक्जैक्टली exactly टैक्स लगा दें तो वो समझ आ रही है मैं क्या बात बोल रही हूं अगर मुझे ये पता चल जाए कि सौ रुपए का सामान है मान लो नॉर्मल ओके तो ये एक्सटर्नल लॉ बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कॉस्ट इन्वॉल्व ओके द लॉस ऑफ वेलफेयर इज वर्थ थर्टी रुपीज़ वो थर्टी रुपीज़ कैसे करेंगे ये बात कर रही हूँ तुमसे मैं तो वो तुम नहीं कर सकते बेसिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट ओके पूरा मैच करना बहुत मुश्किल है फॉर दैट मैटर एंड देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज द डिमांड ऑफ दिस काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ इन ए इन नेचर पीपल डू नॉट लाइक स्टॉप फ्रॉम कंज्यूमिंग दिस काइंड ऑफ गुड्स एंड सो आई डोंट नो द बेस्ट पॉसिबल वे वुड बी टू एजुकेट एजुकेट देम ओके तुम बैन तो नहीं कर सकते हो तो बैन तुम नहीं कर सकते दर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाई गवर्नमेंट ऑल्सो ओके सो मे बी दिस इज़ द डायग्राम गाइस समझा दो इसी से चलेगा तुम्हें देखो यहाँ पे मे बी मैं ड्रा करूँ क्या तुम्हारे लिए ड्रॉ करते चलो ना क्यों अपन ऐसे पढ़ेंगे ओके okay. थोड़ा सा साथ साथ में रिवाइज कर लें क्या अच्छा रहेगा क्या करोगे डिफाइन डिफाइन डिमेरिट गुड्स करो वॉट वॉट आर डी गुड्स ओके दैट यू ऑलरेडी नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि डीमेरिट गुड्स क्या क्या होता है राइट right? देन

कि एवरी डीमेरिट गुड हैव हैज़ गॉट नेगेटिव एक्सटर्नलिटी करेक्ट है सही बोला ना मैंने जितने भी डी मेरिट वाले गुड्स हैं उन सब की नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ एंड दैट इज़ वाई द सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर दैन द सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर दैन द प्राइवेट कॉस्ट एक तो ये पॉइंट हो गया साथ में एक पॉइंट ये भी है कि द मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज लोअर देन द मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट ऐसे भी बोल सकते हैं करेक्ट है ना मैं क्या तुमको बोल रही हूँ ये तो डेफिनेशन हो गई तुम्हारी नंबर टू तो वाई वाई डज गवर्नमेंट नीड टू इंटरवीन और तुमको एग्जाम्पल सारे पता है गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरवीन बिकॉज पीपल आर नॉट इन्फॉर्म्ड इनफ सो दैट दे कैन थिंक अबाउट देयर वेलफेयर एंड द रिजल्टेंट

द लाइक द ड्रग अब्यूज लाइक जो ड्रग्स हैं इंटॉक्सिकेटिंग तुम्हारे जो ड्रग्स होते हैं उसको आप गवर्नमेंट पूरा तरह से बैन कर सकती है नंबर टू नेगेटिव एडवर्टीजमेंट्स मतलब परसुएड पीपल नॉट टू कंज्यूम फॉर एक्जाम्पल इफ यू सी ए सिगरेट बॉक्स एज आई टोल्ड यू दर इज रिटन इट इज़ रिटन इट इज़ इट इज़ हार्मफुल फ्राम द पर्पेक्टिव ऑफ द हेल्थ उसके तो उससे क्या होगा कुछ तो लोगों होंगे उसको देख करके एंड इट्स अ वेरी डटि पिक्चर ऑन दट इफ यू सी बहुत अजीब सा रिपल्सिव सा उसके अंदर फोटोग्राफ बनाया हुआ है थ्रोट कैंसर का तो तुमको देख एक बार लगेगा बट उसके बाद भी लोग तो कंज्यूम करते ही हैं तो वो एक परसुएट करने का तरीका और नंबर थ्री आ, स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन आप स्कूल के बाहर में या कॉलेजेस के बाहर में यू के नॉट सेल सिगरेट्स एंड एल्कोहल एंड ऑल दैट एक वो हो गया देन लिकर शॉप में आप इमेजिन करो लिकर शॉप में यू के नॉट यू के नॉट सेंड अ किड अ किड के नॉट बाई डायरेक्टली और अडोलसेंट्स को को कंजम्पशन करना इन चीज़ों का बैन है एटीन ईयर्स के नीचे वो बैन आ, वो कंज्यूम नहीं कर सकते ओके एंड देन एक एक दो और जो भी होंगे तुम्हारे वो सारे ऐसे याद कर लो देन उसके बाद गवर्नमेंट कैन लेवी अ लॉट ऑफ टैक्सेस लाइक एज वी डिसकसड आर फोर कैटेगरीज वेयर द जी एस टी इज़ लिटरली ट्वेंटी एट परसेंट ओके ये तो सारी बातें होंगी कि सरकार क्या क्या कर सकती है इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ डिमेरिट गुड्स दो प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं नंबर वन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ़ दीज कांड ऑफ गुड्स एंड सर्विज फॉर एग्जाम्पल सौ रुपये का सिगरेट है तीस रुपये के जित एक सौ तीस रुपये प्राइस रखना चाहते हो तो तीस रुपये के जितना ही सर सोसाइटी uh, को नुकसान हो रहा है वो कैलकुलेट कैसे करोगे वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम यह है द कंजशन ऑफ दिस कांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसज इज़ वेरी इनअलास्टिक इन नेचर तुम कितना भी प्राइस बढ़ा दो जिनको कंज्यूम करना है वो करते ही है तुम कुछ नहीं कर सकते हो उसके बारे में ओके okay, तो ये दो प्रॉब्लम्स है तो अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं एजुकेट करो लोगों को और कुछ भी नहीं कर सकते तुम तो. इसका डाइग्राम फटाक से बनाती हूँ एंड देन वी वुड बी सॉर्टेड गाइज़ हियर सो हियर इज लाइक यू नो व्हाट दिस इज लाइक दिस इज मार्जिनल दिस इज मार्जिनल सोशल कॉस्ट मार्जिनल सोशल कॉस्ट एंड दिस इज़ मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट करेक्ट है नाउ सो दिस विल गो लाइक दिस एक्चुअली गाइज डॉ एक और बना दो क्या साथ में यहाँ पे सो बेसिकली दिस इज़ द मार्केट मेकेनिज्म एक्ब्रियम तो अगर सरकार एंटर नहीं करती है इसके इसके अंदर में तो ये तुम्हारा एक्ब्रियम होगा ये वाला देखो अब क्या होगा उससे दिस इज़ ए क्लि दट सपोज क्यू क्वान्टिटी कंज्यूम हो रही है राइट right? हटा देते चलो इसको एंड दिस इज द प्राइस दिस इज़ द प्राइज सपोज ओके अगर सरकार ये करती है सपोज़ करो एक बार लगेगा और ओके सो दिस इज़ लाइक क्यू वन क्वान्टिटी सो एट ये क्या हो रहा पता है तुम्हें ये वाले जो ये वाला जो पार्ट है ना ये वाला इसको सपोज़ तुम ए बोलते हो यानी कि पहले जो क्लिब्रियम था मार्केट मैकेनिज्म का वो ए है राइट तो एट प्राइस पी फॉर दैट मैटर तो क्यू क्वांटिटी पे मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इज मोर देन मार्जिनल सोशल बेनिफिट ओके okay, यानी कि इतना कंज्यूम नहीं होना चाहिए क्यू क्वांटिटी नहीं होना चाहिए सरकार ये चाहती है कि क्यू वन क्वांटिटी कंज्यूम हो ओके एंड फॉर दैट सरकार क्या करेगी कि प्राइस को बढ़ा देगी पी वन आप पी वन के नीचे मार्केट में नहीं बेच सकते बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन यू नो बिकॉज ऑफ़ दैट द प्राइस ऑफ दैट डी गुड विल इंक्रीज एंड पीपल पीपल विल डेफिनेटली डिक्रीज to certain extent कुछ तो कम जरूर होगा ख़त्म तो नहीं होगा कभी भी लेकिन कुछ तो कम जरूर होगा and government will be able to achieve its objective government तो यही चाहती है ना and at that Q1 quantity is the socially optimum desirable level okay for example alcohol is not bad alcohol is not 100% undesirable but still people do not know where to stop that is a bigger problem okay so it is like that but क्या आप लोगों को कैसे control करोगे तो ultimately उसकी price आप बढ़ा दो कोई भी तरीके से आप टैक्स बढ़ा दो जो करना है आप कर दो तो गवर्नमेंट ये चाहती क्यू क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए कंज्यूम राधर क्यू वन क्वांटिटी होनी चाहिए तो क्यू वन क्वांटिटी को कंज्यूम मतलब क्वांटिटी को कम करने के लिए सरकार क्या करेगी पी वन प्राइस पी से पी वन कर देगी प्राइस का तो क्या होगा वो चीज़ महंगी हो जाएगी एंड पीपल विल रेस्ट्रिक्ट द यूसेज एंड द कंजम्पन फॉर दैट मैटर और लोग कम कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियस बात है प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चर भी कम करेंगे एंड गवर्नमेंट विल बी एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव अगर ऐसा नहीं होता तो दिस इज़ अ लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर एक्चुअली ये जो है ना ये डेड वेट लॉस है तुम्हारा जाकर देखना डायग्राम में दिया हुआ है ये ये है गाइज़ आई डोंट थिंक गाइज़ कि वो तुमको इतना डायग्राम पूछते हैं पेपर के अंदर में बट आई पर्सनली फील दैट कि अगर डायग्राम है ये देख लेना तुमको समझ में आ जाएगा अभी ओके okay. तो so, एक चीज़ सिर्फ याद कर रखो एक सिर्फ एक ही चीज़ याद रखो दैट इफ़ यू आर ड्राॅइंग दिस डाइग्राम यू और ध्यान देना मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट की कर्व ऊपर है यूजुअली क्या होता है मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट के ऊपर मार्जिनल सोशल बेनिफिट वगैरह होता है करेक्ट है बट ये डी मेरिट की बात हो रही है ना डी मेरिट गुड है ये समझ तो में आ रही है बात एंड दैट इज़ वाई मार क्यू क्वान्टिटी पे क्यू क्वांटिटी पे हम एक्लिब्रियम सोशली ऑप्टिमम डिजायरेबल नहीं लेवल नहीं है और कम कंज्यूम होना चाहिए ओके okay? और वो उतना लाने के लिए सरकार प्राइस को बढ़ा देगी और पी वन कर देगी तो क्या हो जाएगा जो मैंने बोला वो हो, हो जाएगा बेसिकली ओके सो ये ध्यान देना तुम कि नीचे प्लॉट होगा ऊपर नहीं प्लॉट होगा मेरिट गुड्स में ऊपर प्लॉट होगा कॉमन सेंस की बात है ओके सो गाइज आगे बढ़ रहे हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स करो शुरू गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स ओके मतलब पब्लिक गुड्स में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना क्यों जरूरी है ये अपन पढ़ने वाले हैं ओके आई एम श्योर एवरीबडी नोज ऑल्सो पॉइंट बाई पॉइंट आऊंगी ज़्यादा नहीं है चार तीन या चार पॉइंट अगर याद रहेगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो जाएगा काम सबसे पहला पॉइंट ओके शॉर्ट में ज़्यादा अब नहीं बचावेगा इस बहुत थोड़ा सा है फटाफट ये करते हैं और उसके बाद आई थिंक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेंगे थोड़े एप्लीकेशन ओरिएंटेड सम्स कर लेंगे एंड देन वी आर डन मैक्स टू मैक्स वन आवर ओके स्टार्ट क्या है टॉपिक गवर्नमेंट इंटरवेंशन केस ऑफ पब्लिक गुड्स सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है देर आर सम गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन ओके एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू मार्केट मैकेनिज्म वुड नॉट बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्री राइडर इशूज मार्केट मैकेनिज्म जब तक पैसे नहीं बनेंगे तब तक प्रॉफिट्स नहीं होंगी ओके सिक्योर्ड प्रॉफिट्स नहीं होंगी तक तो कोई भी पार्टिसिपेट मार्केट मैकेनिज्म के अंदर सप्लायर नहीं करेगा ही नीड्स टू मीट हिज कॉस्ट एट लीस्ट एंड विथ अ नॉर्मल प्रॉफिट मोटिवेशन एंड दैट इज वाई ओनली गवर्नमेंट कैन पार्टिसिपेट एंड बिकम एंटरप्रनर टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल इन नेचर बेस्ट एग्जाम्पल इज डिफेंस आप कैसे चार्ज करोगे वॉलेंट्री तरीके से आप बोलोगे तो कोई पैसा आपको देगा नहीं तो नेचुरल सी बात है फ्री राइडर इश्यूज हो गए आप आप कैसे चार्ज करोगे अगर फीस आप चार्ज करना चाहो तो कैसे चार्ज करोगे क्या आप ये बोलोगे दैट पीपल हु आर लिविंग नियर द बॉर्डर शुड पे हायर अमाउंट ऑफ फीस बिकॉज उनको प्रोटेक्शन ज़्यादा मिल रही है और जो लोग साउथ की तरफ ज्यादा रह रहे हैं उनको कम फीस पे करनी चाहिए या नहीं पे करनी चाहिए क्योंकि उनको तो जरूरत नहीं पड़ती है वुड वी टॉक लाइक दैट इट्स नॉट पॉसिबल इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल एक्चुअली बट गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड कॉस्ट तो लगेगा ना बट गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड बिकॉज दे कैन एलोकेट विद द हेल्प ऑफ बजटरी एलोकेशंस एंड दे कैन कलेक्ट मनी विद द हेल्प ऑफ टैक्सेज फॉर दैट मैटर एंड दैट इज़ वाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन रन नेचर उसके अंदर में गवर्नमेंट के अलावा कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ फ्री राइडर इशूज एंड गवर्नमेंट कैन प्रोविजन फ्रॉम बजटरी एलोकेशन फॉर दैट मैटर प्राइवेट मैकेजम कै डू दैट और वो तुम ये भी बोल सकते हो कि मैम फिर मत कीजिए वो गुड्स एंड सर्विसेज बट वो ज़रूरी वाले हैं तुम उनको छोड़ भी नहीं सकते दैट्स आ दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू जस्ट कैन नॉट लाइक नॉट हैविंग इट इज़ नॉट अ चॉइस ओके पॉइंट नंबर टू गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मेरिट गुड्स फॉर दैट मैटर विच आर एक्सक्लूडेबल फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रिज है सपोज करो ओके okay? उस ब्रिज को बनाने में मेंटेन करने में खर्चा लगता है ओके okay? तो ऐसे वाले गुड्स एंड सर्विसेज को सरकार या तो खुद ही मैनेज करे ओके और वो लोग टोल बिठा सकते हैं तुम टोल पे करोगे तो तुम क्रॉस कर सकते हो टोल टोल लेकिन प्राइवेट गुड्स प्राइवेट मैकेनिज्म को भी दिया जा सकता है ओके और वो लोग भी फी चार्ज कर सकते हैं जैसे सरकार कर रही है तो सरकार क्या कर सकती है कि सरकार बोले कि आप लाइसेंस ले लो ओके और लाइसेंस लेकर के ये काम आप मैनेज करो लेकिन सरकार उस फीस को मॉनिटर करेगी बिकॉज अगर अल्टीमेटली वो मार्केट मैकेानिज्म है जहाँ पे जितना प्रॉफिट बनेगा वो लोग बनाएंगे तो गवर्नमेंट कैन आउटसोर्स दिस जॉब टू द मार्केट मैकेजम एंड दे कैन रेगुलेट और मॉनिटर द फीस चार्ज बाय देम बट दीज आर गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सक्लूडेबल इन नेचर तीसरा कुछ वॉल्ट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स होते हैं जो डोनेशंस देते हैं पब्लिक गुड्स की ओके okay, तुमने सुना होगा बहुत सारा तुम तुम गए हो कभी रेलवे स्टेशन पर जैसे लिखा हुआ रहता कि ये चेयर इस कंपनी ने डोनेट करी यू नो दिस जैसे इंडिया में बॉम्बे में स्पेशली हम लोगों ने देखा है लाइक like अंधेरी स्टेशन का मेंटेनेंस कोई एक पर्टिकुलर कंपनी करती है अब कोई स्कूल करता है समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट जैसे सेंटा क्रूज का मेंटेनेंस अंधेरी का मेंटेनेंस स्टेशन जो है जो रेलवे स्टेशन है उसका मेंटेनेंस वो लोग ये क्या है डोनेशन है अल्टीमेटली ये काम किसका है ये काम तो सरकार का है गवर्नमेंट बिकॉज दे आर पब्लिक गुड्स अंडर गवर्नमेंट्स परस्पेक्टिव रेलवेज इंडिया में अब तक प्राइवेटाइज नहीं है वो पब्लिक गुड है सरकार ही मैनेज करती है सरकार इज एंटरप्रेनर ओके नाउ उसको मेंटेनेंस करना करने का काम भी सरकार ही अल्टीमेटली वो चार्ज करते हैं टिकट लेते हैं स्टेशन पे जाने का भी टिकट लेते हैं ऑल दैट ओके सो बेसिकली द मेंटेनेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज कैन आल्सो बी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस ओके लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि प्राइवेट सेक्टर अगर डोनेट भी करेगा तो उसका कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा उसके पीछे कोई यूं ही डोनेट नहीं करता इट कैन भी एनी थिंग फॉर दैट मैटर इट कैन भी सम मॉनिटरी गेन इट कैन भी सम गुड विल इंक्रीज समथिंग आई आई डोंट वॉन्ट कमेंट ऑन दैट ओके तो तीन चीज़ें मैंने बोली नंबर वन नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन ड्राइवल गुड्स एंड सर्विसेज नंबर टू एक्सक्लूडेबल गुड्स एंड एक्सक्लूडेबल गुड्स एंड सर्विसिज दैन देर आर प्राइवेट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेश प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हु डू अ लॉट ऑफ डोनेशनस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द मेटेनेंस एंड प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स यानी तुमने सुना है पहले ये बहुत पहले से इंडिया में होता था पता है जैसे आई डोट नो हाउ मेनी ऑफ़ यू मेरी मेरी जो लैंग्वेज है जबान में अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो तुमको कितने लोगों को समझ में आएगी वो फ्री में तुमने देखा है आ, कई सारे चौराहों पर नो आ, वहाँ पर जो क्रॉसिंग्स होती है ना जहाँ पे किसी कम्यू किसी लोकेलिटी में ऐसा हाईवे पे नहीं होता है ओके किसी लोकेलिटी में तुमने देखा होगा कि पानी पीने का नल लगाया हुआ है तो वो सरकार नहीं करती कोई भी प्राइवेट यानी यानी कि मैं डोनेट करना चाहती हूँ ओके okay? तो मैं किसी अपने आ, किसी के भी नाम से कोई मेरे एल्डर जो अब नहीं है दुनिया में तो उनके नाम से हम हम कोई स्कूल चलाते हैं हम कोई आ, ऐसे बहुत सारे होते हैं यू नो आई एम श्योर यू आर गेटिंग द पॉइंट मैं क्या बोलना चाह रही हूँ तो ऐसे वाले बहुत ये अल्टीमेटली ये गुड्स एंड सर्विसेज पब्लिकली यूज़ किया जा सकता है राइट एंड दे कैन दे कैन दे दे रन एंड दे डू प्रोवाइड यू नो मनी फ्रॉम देयर साइड तो दीज आर पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज वेयर पैसे चार्ज नहीं करे जाते हैं ऐसा सच तो हम डोनेट कर रहे हैं बेसिकली तो दीज आर ऑल्सो लाइक फॉर पब्लिक यूज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे मिलता है राइट देन फोर्थ देर आर सम गुड्स एंड सर्विसेज विथ जस्ट कैन नॉट लीव टू द मार्केट मैकेनिज्म लाइक वॉट लॉ एंड ऑर्डर लाइक पुलिस लाइक डिफेंस दे हैव टू बी कंपल्सरली टू बी डन बाय गवर्नमेंट ओनली बिकॉज इट इन्वाल्वस सम लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एक और कैटेगरी है जो प्राइवेट मैकेनिज्म से करवाया जा सकता है बट अच्छा होगा कि गवर्नमेंट करे लाइक न्यूक्लियर एनर्जी लाइक एटॉमिक एनर्जी लाइक स्पेस प्रोग्राम्स एंड ऑल दैट आई एम श्योर गाइज आई गिव यू गुड लॉजिक्स तुम रीड करोगे तुमको सारा याद आ जाएगा राइट right? तो ये पढ़ लेना देखो यहाँ यही लिखा हुआ है सारा नॉन एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड्स विच आर हाईली प्रोन टू फ्री राइडर प्रॉब्लम्स के मार्क कैनॉट Be established by markets for them and hence they provide a strong argument in favor of the government. As government can collect taxes to provision them, some logic applies to non rival public goods also. Excludable public goods can be provided by government and the same can be financed through entry fees. They can also be provided by private firms and they can charge some entry fees and entry fee can be regulated. सम पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइडेड बाई वॉलन्टरी कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड प्राइवेट डोनेशंस बाई कारपोरेट एंटाइटीज़ तुम्हें याद है यू नो काइंड ऑफ मैं कितना भी सोचूँ ना दैट मैं कोविड का एग्जाम्पल नहीं लूँगी बट यू नो आई मीन इट इज़ सच इट इज़ सच अम्बरेसिंग यू नो काइंड ऑफ फैक्ट एंड रियलिटी ऑफ लाइफ मतलब तुमको समझा मैंने क्या बोला हिंदी में बोलूँ इसका मतलब ये ये जिंदगी की इतनी हमारे जिंदगी के हर हर पहलू को हिंदी में ही आया अल्टीमेटली uh, इतना ज़्यादा टच कर चुकी है ये कोविड की चीज़ कि हर एग्ज़ाम्पल उससे ही मिलता जुलता आ जाता है ओके दैट वे तो गवर्नमेंट uh, ने नहीं मांगा था नरेंद्र मोदी का जो वो था जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना था कोविड के लिए याद नहीं है पीएम केयर फंड याद आया पी एम केयर्स तो कॉन्ट्रीब्यूट किया था ना कितने सारे पैसे कितने सारे लोगों ने कलेक्ट किया वो क्या था अल्टीमेटली अब उससे सरकार कितने सारे लोगों को कोविड का वैक्सीन प्रोवाइड करेगी जो लोग अफॉर्ड नहीं कर सकते हॉस्पिटलाइजेशन करेगी एंड जो भी करना चाहे वो करेगी तो सच काइंड ऑफ थिंग एक्चुअली वो तो खैर वो बहुत ज़्यादा सेल्फलेस था बिकॉज पीपल रियली वॉन्टेड टू हेल्प पीपल हुर नॉट एबल टू अफोर्ड बट देन यू कैन सी अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कमिंग इन फ्राम द कंपनीज फ्राम द फर्म्स बट द रीजन्स कुड भी डिफरेंट इट कैन बी सेल्फलेस ऑल्सो एंड देयर कुड भी सम मॉनिटरी गेन ऑल्सो एंड देयर कुड भी सम वॉट गुड विल गेन आल्सो सम पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइडेड बाई वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्राइवेट डोनेशन बाई कारपोरेट एंटीज एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशल्फ इंटरेस्टेड फर्म्स और इंडिविजुल्स समटाइम्स प्रोवाइड पब्लिक गुड्स सेल्फ इंटरेस्टेड फर्म्स और इंडिविजुअल्स समटाइम्स प्रोवाइड पब्लिक गुड्स बिकॉज दे कैन इंडायरेक्टली मेक मनी आउट ऑफ दैम सो देर वुड बी ऑल सॉर्ट ऑफ रीजन बट ऐसे भी पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं हम ये डिस्कस कर रहे हैं the most important goods and services like defense establishment and maintenance of legal system fire protection disease prevention etc are invariably provided by government okay certain goods and cert certain goods are produced and consumed as public goods and services despite the fact that they can be produced or consumed as private goods this is because left to the markets and profit motives दिस में प्रूव टू बी डेंजरस टू द सोसाइटी ऑफकोर्स यू कंट लिव न्यूक्लियर एन एनर्जी टू प्राइवेट इंडिविजुअल पूरी दुनिया को वश में कर लेगा वो अपने ताकत से एग्जाम्पल्स आर साइंटिफिक अप्रूवल ऑफ ड्रग्स प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक प्रोडक्ट सच एस एटोमिक एनर्जी प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एट एयरपोर्ट्स एंड सो ऑन इजी था प्राइवेट इंटरवेंशन नॉन मार्केट प्राइजिंग अब सुना ध्यान से ये भी ये सब छोटे छोटे हैं सो so, बेसिकली प्राइव प्राइस इंटरवेंशन ओके गैस पता है क्या uh, बहुत सारी इकनॉमी में सिचुएशंस होती है जो मार्केट मैकेज़म के थ्रू एफिशियंट नहीं बन पाते यहाँ पे वैन आई सेफिशियंट आई मीन टू से फ्रॉम द परसपेक्टिव ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी फॉर दैट मैटर सो एक एग्जाम्पल जो इसमें दिया हुआ है वो ये है द गवर्नमेंट विल एंटरफेयर द गवर्नमेंट विल एंटर इन टू द मार्केट एंड ट्राई टू क्रिएट प्राइस इंटरवेंशन बाय टू मेथड्स नंबर वन प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर ऐसे याद कर लो ओके okay? गवर्नमेंट दो तरीके से इंटरवीन कर सकती है प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर सम गुड्स एंड सर्विसेज विच आर वेरी वेरी ऑफ इम्पॉर्टेंट यूज एंड एवरीबडी नीड्स दैट दैन गवर्नमेंट कैन से कि आप इस प्रोडक्ट का इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते you are not allowed to charge more than this that is price ceiling it could be with respect to some medicine of some infectious drugs infectious med, uh, disease for the, sorry infectious disease or it could be some vaccine or something and that is why the government will interfere in order to control the prices because agar sarkar prices ko अगर सील कर देगी तो उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे और सरकार एक्चुअली यही चाहती है ओके सिमिलरली देर कुड बी सम गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ पे यू नीड टू प्रोटेक्ट यू नीड टू प्रोटेक्ट द वेल बींग ऑफ द पीपल फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एक अभी पता है उसी चीज़ को लेकर के मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं कॉन्ट्रोवर्सी वाली बात है क्लास के अंदर में uh, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये क्या है पता है तुमको ये जो इतना बड़ा फार्मर्स का आई एम श्योर यू नो दैट लाइक फार्मर्स के जो स्ट्राइक वगैरह लगी थी इंडिया में राइट फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा एक साल तक जो स्ट्राइक चली वो क्या था पता है तुम्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने एक चालू किया था बहुत सालों पहले ओके okay, वो क्या था पता है कि और सरकार ने अपने एजेंसीज के थ्रू क्या बोला कि बॉस आपका जो ग्रेन होगा फार्मर्स का वो हम खरीदेंगे ओके okay. आपके सारे जो ग्रेन्स होंगे जो नहीं बिकेगा हम खरीदेंगे या ऐसे भी हम खरीदेंगे ओके okay. और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्वेंटी फाइव रुपीज़ पर के जी पे वीट खरीदूंगा तो ट्वेंटी फाइव रुपी भले ही मार्केट में प्राइस बीस रुपये चल रही हो सरकार पच्चीस में ही खरीदेगी तो उससे क्या होगा यू आर ट्राइंग टू इन्श्योर द वेल बींग ऑफ द फार्मर सो दैट दे कैन हैव अ स्टडी इनकम फॉर दैट मैटर लेकिन क्या होता है ना कि जब कोई रूल बन जाता है उस वक्त शायद 40 साल पहले 30 साल पहले इस चीज की ज़रूरत थी ओके ताकि बिकॉज इन इंडिया यूज टू बी अ डेवलपिंग इकॉनमी और अंडर डेवलप्ड इकॉनमी एंड वी वॉन्टेड पीपल टू कम आउट ऑफ पॉवर्टी एंड स्पेशली द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर दैट मैटर आज के दिन दोज फार्मर्स आर वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कम्युनिटी दे आर एफ्लुएंट पीपल तो तुमको लगता है कि ये जो रूल है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ये अभी भी एप्लीकेबल है यही सरकार एक्चुअली करना चाह रही थी जिसका इतना बड़ा ऑपोजिशन हुआ ये सही था गलत था वो हम डिस्कस नहीं करें मैंने तुमको पूरा एग्जाम्पल दिया एक्चुअली सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या हुआ सरकार ने अपनी एजेंसी सेट कर दी कि भाई आप आपका माल हम खरीदेंगे अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि तुमको हमारा माल खरीदना ही पड़ेगा जबरदस्ती ओके बिकॉज अल्टीमेटली उनको फिक्स प्राइस मिल रही है ना अगर मार्केट में जाएंगे तो कम में बेचना पड़ेगा और शायद सारा बेच भी ना पाए तो बोलते हैं वो इतना हम कल्टिवेट करेंगे इतना हम उगाएंगे और आपको ख़रीदना भी पड़ेगा सरकार सरकार ये बोल रही है मैं खरीद के क्या करूँ अब तो मार्केट इतना डेवलप हो जाएगा तो मार्केट के थ्रू करूँ क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि वो जो पैसे अल्टीमेटली सरकार एक्स्ट्रा पे कर रही है वो तो टैक्स कलेक्शन से ही पे कर रही है ना तो सरकार को लगता है इससे बेटर दूसरे काम किए जा सकते हैं ऐसा उनका बोलना है मैं किसी को फॉरी अगेंस्ट में नहीं जा रही हूँ ओके दैट इज हाउ आई थिंक दिस इज वाट इज द कंटेंशन मैं तुमको मुद्दा बता रही हूँ मैं ना तो सरकार के साथ हूँ ना मैं फार्मर के साथ आई एम न्यूट्रल आई एम अ टीचर आई कैंट लाइक टॉक इन फेवर और समथिंग ये मुद्दा है बात यहाँ पे हो रही है लेकिन वो लोग ये बोलते हैं कि आप अगर ऐसा करोगे तो बहुत सारे गरीब फार्मर्स को दिक्कत हो जाएगी एंड ऑल दैट सो दीज आर द डिस्कशंस बिहाइंड दैट बट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इन गवर्नमेंट कैन इंटरवीन और गवर्नमेंट कैन डू प्राइस इंटरवेंशन थ्रू प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग हम शोर समझ गया सबको आगे बढ़ते हैं

गवर्नमेंट यूजुअली इंटरवेंस इन मेनी प्राइमरी मार्केट्स विच आर सब्जेक्ट टू एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशंस स्पेशली ग्रेन मार्केट द एग्रीकल्चर मार्केट गाइस बिकॉज इट इज़ अ नॉट डिपेंडेंट ऑन मॉनसून एक्चुअली ओके सो जब गवर्नमेंट जब मार्केट में स्केरसिटी हो जाएगी क्या होगा जब मान लो ड्रॉट हो गया सूखा पड़ गया ओके okay, जब इस तरह की कुछ चीज़ें आएँगी तो क्या सरकार की क्या ड्यूटी बनती है भाई सबको खाना मिलना चाहिए तो उसमें कुछ लोग होल्ड करने लग जाएंगे तो जो गरीब लोग हैं वो नहीं खा पाएंगे सरकार क्या बोलेगी कि आप इससे ज्यादा में ग्रेन नहीं बेच सकते हो बिकॉज गवर्नमेंट वुड वांट टू हैव फूड राइट बट अदर पीपल होल्डर्स वुड वॉन्ट टू मेक मनी इन सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया इन केस ऑफ मेनी क्रॉप दवेंट हैज इनिशिएटेड द मिनिम सपोर्ट प्राइस प्रोग्राम एज वेल एज प्रोक्योरमेंट बाई गवर्नमेंट एजेंसीज एट द सपोर्ट प्राइसेज दिस इज अ डायग्राम गाइज यू कैन यू सी दैट सो बेसिकली सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव रुपीज़ तुमको दिख रहा है ना सेवेंटी फ़ाइव रुपीज़ जो तुम्हारा है ये तुम्हारा प्राइस है और उस पर क्यों क्वान्टिटी सप्लाई हो रही है सपोज लेकिन अगर सरकार एक सौ सेट कर देगी फ्लोर कि इसके नीचे बिकेगा ही नहीं सरकार बोलेगी एक सौ पचास में मैं तो ले लूँगा तुम्हारा सारा माल तो सप्लाई कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी देखो सप्लाई कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी नेचुरल सी बात है ओके सिमिलरली यहाँ पे देखो सिमिलरली अगर मान लो कि एक सौ पचास की प्राइस है ओके okay, तो सरकार बोलेगा कि तुम सेवेंटी फाइव से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते तो क्या होगा क्वांटिटी बहुत ज्यादा डिमांड की बढ़ जाएगी यही चीज डायग्राम में दे रखा है देन द नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर करेक्टिंग इंफॉर्मेशन फेलियर लाइक ए लॉट ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इज नॉट टेकन केयर ऑफ बिकॉज दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड प्रॉपरली जो लोग तुमको क्या बताऊँ मैं बता है तुमको अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना वो भी इनफॉर्म्ड नहीं होते हैं ओके okay, तो सरकार को ऐसा लगता है कि ये सरकार की एक और जिम्मेदारी ये भी है कि गवर्नमेंट शुड बी एबल टू प्रोवाइड एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पीपल एंड द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री एट लार्ज सो दैट दे कैन अवेल मैक्सिमम बेनिफिट एंड दे आर नॉट फूल्ड अराउंड क्या होता है ना कि इन्फॉर्मेशन के अभाव में इंसान बहुत सारी वेलफेयर की चीज़ें यूटिलाइज नहीं कर पाता खास करके वो लोग तुमको पता है आज के दिन सबके पास मोबाइल होता है किसके पास मोबाइल नहीं तुम नाम बोलो किसके पास मोबाइल नहीं फिर भी उस पर सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है उसके बाद भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो लोगों के पास में नहीं होता है ओके तुमने एक चीज़ देखी एक बार स्टॉक मार्केट का कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसमें लिखा हुआ है कि आ, मार्केट इन्वेस्टमेंट्स नहीं इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ये लिखा हुआ रहता है ना एवरी म्यूचुअल फंड का जो फॉर्म रहेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा कुछ भी तुम करने जाओगे तो ये क्या है ये इन्फॉर्मेशन ये डिस्क्लोजर है सिगरेट के बॉक्स पे लिखा हुआ रहता है इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ व्हाट इज दिस सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू परसुएट पीपल थ्रू प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन दैट यू शुड नॉट डू इट गवर्नमेंट डज नॉट सपोर्ट दिस ओके सो दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मेक पीपल इन्फॉर्मेशनली एफिशेंट सो दैट दे कैन टेक गुड डिसीजन विथ रिस्पेक्ट टू देयर ओन वेलफेयर ओके तो जितने भी तुम्हारे बॉक्सेस होते हैं किसी भी चीज़ का तुम कंज्यूम करते हो जैसे कोई मेडिसिन होता है या कोई तुम आई मीन आई यू बाई एनी थिंग एंड इट इज रिटर्न कि इसके अंदर में क्या क्या है वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है कितना फैट है कितना कार्बर है सब कुछ तो लिखा हुआ रहता है दिस वॉट डिसक्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन अब तो ये भी सरकार कंपलसरी कर चुकी है कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है तुमने इम्पोर्ट किया है तो यूएस से किया है कि चाइना से किया है कि इंडिया मेड है ओके सच काइंड ऑफ डिस्क्लोजर्स आर ऑल्सो बिकमिंग कंपल्सरी तो दैट इज दैट इज मेकिंग पीपल इन्फर्मेशनली एफिशेंट एक्चुअली स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें भी सभी पूरा कंट्रोल करती है पूरा इन्फॉर्मेशन लोगों को दिया जाता है कि भाई आप ये करोगे तो उसका अंजाम ये होगा इफ लेफ्ट टू मार्केट मैकेनिज्म दे दे वुड नॉट lie. दे वुड नॉट लोग झूठ नहीं बोलेंगे बट तुमने नहीं पूछा तो तुम तुमको बताएंगे भी नहीं तो इट इज़ एज गुड एज गेटिंग cheated एक्चुअली ओके बट वो बोलेंगे हाँ मैंने झूठ तो नहीं बोला मैंने ना तो नहीं बोला बट तुम पूछोगे कैसे जब तुमको पता ही नहीं कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे पूछनी भी चाहिए आर गेटिंग द पॉइंट ओके देट वे एंड दे वुड ट्राई टू डू सम मार्केटिंग और वो बोलेंगे कि भाई अगर आप सपोज करो कि किसी एरेटेड ड्रिंक का अगर आप मार्केट या एडवर्टीजमेंट करते हो तो बहुत ज़्यादा परसुवेसिव मार्केटिंग मत करो बिकॉज पीपल वुड वॉन्ट टू कंज्यूम एंड इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ अगर हेल्थ के लिए अच्छा होता तो एरेटेड ड्रिंक पर अठाईस परसेंट का जी एस टी चार्ज करते लोग ओके सो फॉर कम्बैटिंग द प्रॉब्लम ऑफ मार्केट फेलियर ड्यू टू इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम्स एंड कंसिडरिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन मेकिंग रैशनल चॉइसिस द फॉलोइंग इंटरवेंशन आर रिसोर्टेड टू गवर्नमेंट मेक्स इट मैंडेटरी टू हैव एक्यूरेट लेबलिंग एंड कॉन्टेंट डिस्क्लोजर ये याद करना गए एक्यूरेट लेबलिंग एंड कॉन्टेंट डिस्कलोजर्स बाई प्रोड्यूसर्स लेबलिंग ऑन सिगरेट पैकेट्स एंड न्यूट्रिशनल इंफॉमे इन फूड पैकेजेस इनफैक्ट मेडिसिन ऑल्सो मैंडेटरी डिस्कलोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल सेबी रिक्वायर्स दैट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बी प्रोवाइडेड टू प्रोस्पेक्टिव वायर्स ऑफ द न्यू स्टॉक्स आर यू अवेयर ऑफ द फैक्ट देट अमशा अगर तुम लिस्टेड कंपनीज की अगर तुमको पता है ऑडिट तो क्वार्टरली उनको सारे अपने पी एंडल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल सेबी के पास डिस्क्लोज करना पड़ता है सो so दैट कि उनके यहाँ क्या चल रहा है वो सब लोगों को पता होना चाहिए बिकॉज अकॉर्डिंगली पीपल कैन डिसाइड टू बाय और सेल द स्टॉक ऑफ दैट रेस्पेक्टिव कंपनी दैट इज डिस्क्लोजर कंपल्सरी डिस्क्लोजर ओके तो ये बताया ये बताया पब्लिक डिस्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव नॉलेज एंड सब्सिडाइजिंग ऑफ इनिशिएटिव इन दैट डायरेक्शन मतलब गवर्नमेंट वुड ट्राई टू मेक श्योर दैट दैट इन्फॉर्मेशन इज चीपली अवेलेबल फॉर एग्जाम्पल आरोग्य सेतु ऐप अगर तुम डाउनलोड करते हो ओके okay, तो तुमको कुछ पे नहीं करना पड़ता यू आर नॉट सपोज टू पे एनी थिंग फॉर देट मैटर राइट ना सब लोग कर सकते हैं डाउनलोड तो यह क्या हो गया? लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है सो दैट मैक्सिमम लोग उसको यूज़ कर सकें एंड कुछ कुछ जगहों पर लाइक एयरपोर्ट्स पर कंपलसरी आरोग्य सेतु तुमको खोलना पड़ता है तो क्या हो गया अब तुम इंस्टॉल करोगे तो कभी ना कभी खोल के उसको देखोगे भी तुमको वैक्सीन की बुकिंग करनी है तुमको उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा एंड ऑल दैट यू नो सो मैनी थिंग्स आर देयर तो दिसक प्रो यू नो काइंड ऑफ मेकिंग

या कोक या इन चीज़ों का अगर तुमने देखा होगा एड टीवी के ऊपर में तो यू वुड बी सींग समथिंग लाइक ऑल द हीरोज आर लाइक हीरो दैट इज़ और एक्टर्स डूइंग सम स्टंट्स एक्चुअली डिड यू सी दैट फ्रॉम वन लॉरी टू अनदर लॉरी दे आर जंपिंग दे आर जंपिंग फ्रॉम द बिल्डिंग तुमको तुम, तुम लिख के नीचे आता देखा है तुमने कुछ बच्चों ने किया कूद गए नीचे वो लोग वो एड देख करके ओके okay. बच्चों को कितनी समझ होती है तो अभी लिख के आता है कि ये पूरा तुम्हारा क्रिएट किया हुआ है प्लीज़ कोई ये करने की प्रैक्टिकल में कोशिश ना करे आता है ना इन्फॉर्मेशन लिख करके तो वो क्या हो गया सेम चीज़ जो बात कर रहे हैं अपन चलो ये हो गया देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है अगर यू नो काइंड ऑफ गहराई से सोचोगे वो वर्ड गहराई था जवान पर बट इंग्लिश बोलना चाह रही थी दैट इज़ वाई टेक टू अ पॉज ऑफ अ सेकेंड पॉसिबिल यू नो इफ़ यू थिंक डीपली दैट इज़ अ प्रॉपर ट्रांसलेशन दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब यानी कि सरकार ये सब कुछ जो कर रही है ना जैसे मार्केट फेलियर मार्केट मैकेानिज्म की वजह से मार्केट फेलियर होता है राइट right? तो ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन हर चीज में है क्यों तो मेन टॉपिक है गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली अल्टीमेटली मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पे सबसे अच्छा ऑप्टिमल प्राइस और आउटपुट आता है ये सबको पता है राइट बट द पॉइंट स्टिल रिमेन्स दैट कि मार्केट को सिर्फ हमें ये नहीं पैसे नहीं कमाने कहने का मतलब ये सिर्फ पैसे नहीं कमाने इट शुड बी प्रॉपरली सिर्फ जीडीपी ग्रोथ इज नॉट द एजेंडा जीडीपी ग्रोथ इज नॉट द एजेंडा एट ऑल राइट द एजेंडा इज नेशनल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली एंड दैट जॉब हैज टू बी डन बाई गवर्नमेंट नो बडी हेज कैन डू दैट ओके सो क्या है टॉपिक फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी फॉर एग्जाम्पल जी डी पी ग्रोथ बहुत है इंडिया की सपोज करो लेकिन वो जो इनकम है वो जो जीडीपी ग्रोथ अगर ज़्यादा है यानी कि डिस्पोजेबल इनकम भी यानी इनकम बहुत जनरेट हुई राइट ना बट वो इनकम साइडेड यानी कुछ लोगों के पास रिच बिकेम रिचर एंड पुअर बिकम पुअर नॉट तो वो नहीं होना चाहिए तो सरकार का क्या काम होगा सरकार का ये काम होगा कि कहीं से मैंने एक जगह पर एक बात बोली थी कि अगर मान लो कि मैं रोलक्स की वॉच खरीदती हूँ तो इक्विटेबल करने का ये मतलब नहीं होता कि तुम सामने वाले को रोलेक्स की वॉच खरीद के दो क्योंकि मैं खरीद मैं अफोर्ड कर सकती हूँ दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो ओके वो वो कई चीज़ों पर मैं रोलेक्स की वॉच क्यों खरीद पाती हूँ वो कई चीज़ों पे, पे डिपेंडेंट है कई चीज़ों पे एक पे नहीं ओके okay. सिर्फ मेरी मेहनत पे भी नहीं शायद मैं लेगेसी है यानी कि मैंने बहुत पैसा इनहेरिट किया है मेरे पास बहुत लैंड है और कई सालों से कई सदियों से मेरे पास पैसे आते जा रहे हैं ऑल दैट ओके दैट वे सो उस उस मुद्दे पर नहीं चल रहा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश में वॉट कैन गवर्नमेंट ट्राई टू डू टू ब्रिंग सम लेवल ऑफ इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम गवर्नमेंट क्या करेगी गवर्नमेंट विल ट्राई टू डू सम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी स्लैब्स बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा टैक्स चार्ज करेंगे सब्सिडीज करेक्ट करेक्ट देन उसके बाद ट्रांसफर पेमेंट्स ओके देन दे कैन डू सम रिजर्वेशन्स फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको पता नहीं होगा तो बता दूँ तुमको कि आई आई टी और आई एम में भी रिजर्वेशंस हैं सो so दैट जो बैकवर्ड uh, क्लासेस है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बट दे आर ऑफ कैलिबर ओके उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए और उनको सरकार मेन स्ट्रीम में लाना चाहती है सोसाइटी के राइट तो ऑल दीज थ्रू ऑल दीज थिंग्स द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बिकम ब्रिंग सम इक्विटी एंड बिकम द लाइक बिकम एन एंटरप्रनर Who is like not interested in profit rather than uh, division of income properly across people? Okay, so one of the most important activities of the government is to redistribute incomes so that there is equity and fairness in the society. Equity can be brought about by redistribution of endowments with which the economic agents enter the market. Some common policy interventions include progressive income tax, targeted budgetary allocations. कि बजट जब आता है कभी सुनना बजट आएगा तो उसमें वो लोग बोलेंगे भाई कि जब मैं इक्वलिटी की बात करती हूँ उनसे गरीब और अमीर की बात नहीं कर रही मैं हर चीज़ में बात कर जेंडर इक्वलिटी की बात कर रही हूँ मैं ओके okay, तो यू विल सी दैट गवर्नमेंट हैज़ गॉट गवर्नमेंट डज अ लॉट ऑफ बजटरी एलोकेशन टूवर्ड्स वुमेन वुमेन की एजुकेशन के लिए यू नो काइंड ऑफ फीमेल्स को आगे बढ़ाने के लिए

अपॉर्चुनिटीज़ रदर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छा वर्ड होगा जितनी अपॉर्चुनिटीज़ एक मेल काउंटर पार्ट को होता है डिपेंडिंग ऑन द टैलेंट ऑफ कोर्स उतने ही गिवन द अपॉर्चुनिटीज़ एक फीमेल के पास भी होना चाहिए इफ़ शी इज इक्वली और मोर टैलेंटेड दैट मीन समेट वॉट ओके ट्रांसफर पेमेंट्स सब्सिडीज सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जॉब रिजर्वेशन लैंड रिफॉर्म्स जेंडर सेंसिटिव बजटिंग एक्सेट्रा गवर्नमेंट ऑल्सो इंटरवीन्स टू कॉम्बैट ब्लैक इकॉनमी एंड मार्केट डिस्टॉक्शन ब्लैक इकॉमी जो ब्लैक इकॉनमी होती है हमशोर sure सबको पता है कि ब्लैक मार्केट को या यू नो काइंड ऑफ पैरल जो ब्लैक इकॉनमी चलती है इंडिया में भी चलती है काफ़ी बड़ी इकानमी उसके लिए सरकार क्या सरकार ने क्या किया डीमॉनिटाइजेशन लेके आए वो लोग राइट तो कितनी सारी चीजें है, हैं वुमेन का जो एज है मैरिजबल एज है उसको वो लोग बोल रहे एटीन से बढ़ा के आप ट्वेंटी वन करो एंड ऑल दैट तो ये सब क्या है बेसिकली So these are all things to bring equity in the economy, in equity in the society, basically. okay? for example, child labor allowed right? there are, it is, a, it is a crime, basically. okay? government also intervenes to combat black economy and market distortion. associated with a parallel black economy government intervention in a market that reduces efficiency while increasing the equity is often justified because equity is greatly appreciated by society kya likha hai pata hai tumko ye kya likha hai pata hai ye ye line kya likha hai pata hai ये लिखा हुआ है? है कि सरकार के इंटरवेंशन अभी तक तो कैसा फील हो रहा है कि सरकार सब अच्छा ही अच्छा है सरकार करेगी तो ये भी अच्छा सरकार करेगी तो वो भी अच्छा हमेशा ऐसा नहीं होता है. सरकार के इंटरवेंशन से कभी कभी चीजें डिस्ट्रप्ट भी हो सकती है बैलेंस भी लूज कर सकती है ओके okay? बट सरकार के ये करने से इतना ज्यादा गेन होता है कि पीपल अप्रिशिएट करते हैं और सरकार के इंटरवेंशन से जो नुकसान होता है वो इग्नोर हो जाता है बट सरकार का इंटरवेंशन वहां खराब हो जाएगा जब उसका पॉलिटिसाइजेशन होगा जब रिसोर्सेज की वेस्ट होगी और कुछ लोग जो सरकार जो अचीव करना चाहती है वो अचीव करने की बजाय और नुकसान हो जाएगा बट We are ignoring because the gains that we might get because of government intervention would be much greater than what we are losing. That is all about the chapter. Multiple choice type questions. Ready? A thermal power plant uses coal and creates pollution in an अदरवाइज अनपल्यूटेड एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग उड एन श्योर दैट अ सोशली ऑप्टीमल आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड वेयर मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट नो वेयर मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल सोशल बेनिफिट नो वेयर मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट है क्या देखो ये वाला Which of the following statement is true? The market-based approaches to control externalities operate through price mechanism. Okay. When externalities are present, the welfare loss would be eliminated. Yes, hmm? I The key is to internalizing an externality is to ensure that. दोज हु क्रिएट द एक्सटर्निलिटीज़ इंक्लूड दैम वाइल मेकिंग डिसीजन ये ये सही है थर्ड इज़ करेक्ट द मार्केट बेस्ड अप्रोच टू कंट्रोल एक्सटर्निलिटीज ऑपरेट थ्रू प्राइस मैकेनिज्म ये सही है ना तुमको ध्यान नहीं है डायरेक्ट कंट्रोल एंड इन डायरेक्ट कंट्रोल याद आया गया तुम्हें डायरेक्ट एक्सटर्नलिटी के अंदर में डायरेक्ट कंट्रोल एंड इन डायरेक्ट कंट्रोल था ना तो डायरेक्ट कंट्रोल में क्या था एक्ट था लॉस थे एंड ऑल दैट मार्केट बेस्ड में क्या था मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू आप उसको प्राइस मैकेनिज्म एक्सटर्नलिटी को पोल्यूशन को बिल्डअप कर दो ताकि प्राइस बढ़ जाएगी तो नेचुरली क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा अपने आप ही सप्लाई हो जाएगा एंड द क्वांटिटी वुड नेचुरली वी वुड रीच टू सोशली ऑप्टिमल डिजायरेबल लेवल यानी कि वन एंड थ्री दोनों सही हैं सोचना जो आंसर बोली मैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स ट्रेडेबल परमिट्स प्रोवाइड इंसेंटिव टू इनोवेट दिस इज करेक्ट ओके अब सब्सिडी ऑन अ गुड विच हैज़ शियल पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज वुड रेड्यूस इट्स कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली प्राइस ओके सब्सटैंशियल नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आर इन्वॉल्व इन द कंजशन ऑफ दिस इज रॉन्ग क्या लिखा है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आर इन्वॉल्व इन द कंज्शन ऑफ मेरिड गुड्स ये फॉल्स बोला है ना तो ये वाला सही है यह सेकेंड वाला क्या था सब्सिडी ऑन गुड विच हैज्सटैशियल पॉजिटिव अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होगी तो ही सरकार सब्सिडी देगी ताकि ज्यादा लोग कंज्यूम करें उड रिड्यूस द कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली द प्राइस सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन कंज्यूम मेरिट गुड्स आर लाइकली टू बी अंडर प्रोड्यूस्ड एंड अंडर कंज्यूम्ड थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म ये भी सही था यानी सी गलत था अब पिगूवियन सब्सिडी कैन नॉट बी प्रेजेंट वैन एक्सटर्नलिटीज आर प्रेजेंट इज़ अ गुड सोल्यूशन फॉर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी एज विल इंक्रीज दिस इज करेक्ट गाइस इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी अंदर फॉर नॉट प्रैक्टिकल ये भी गलत है मे हेल्प प्रोडक्शन टू सोशली ऑप्टीमल एंड पॉजिटिव आई थिंक बी इज करेक्ट प्राइस टैक्स लगाने से प्राइज कॉस्ट बढ़ जाएगा कॉस्ट बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगी एंड अपने आप ही डिमांड कम हो जाएगी ये चाहते हैं अपन फाइव इफ गवर्नमेंट्स मेक इट अ कम्पल्सरी टू अवेल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन इट इज़ बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी नीड टू बी रनिंग प्रॉफिटेबल ये सही नहीं है इंश्योरेंस विल जनरेट मॉरल हजार्ड एंड एडवर्स सिलेक्शन नो इंश्योरेंस इज अ मेरिट गुड एंड गवर्नमेंट वॉन्ट्स पीपल टू कंज्यूम इट डेट्स करेक्ट इफ़ मेरिट गुड्स आर provided फ्री by गवर्नमेंट द quantity डिमांडेड ऑफ मेरिट गुड विल be लेस देन सप्लाई एक्चुअली करेक्ट द quantity डिमांडेड था ना वो एक डायग्राम था जिसने बोले कि मेरिट गुड्स को अगर तुम सस्ते पे यानी सरकार अगर सब्सिडी देती है तो डिमांड बढ़ेगी लेकिन अगर फ्री कर दोगे तो सप्लाई से ज़्यादा डिमांड हो जाएगा तो मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए द क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ मेरिट गुड नो no, ये ए सही नहीं होगा गलत है ये द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मेरिट गुड विल बी लेस देन सप्लाई नहीं डिमांडेड विल बी मोर देन सप्लाई ये सही होगा अगर फ्री करोगे तो डिमांड ज्यादा होगी बहुत लोग कंज्यूम करेंगे अगर कोविड के वैक्सीन वैक्स फ्री कर दोगे तो क्या होगा बहुत लोग कंज्यूम करेंगे अगर जीरो कॉस्ट कर दोगे तो सो सी इज करेक्ट द गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन द मार्केट प्लेस टू डिस्करेज द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डी मेरिट गुड्स सामने देख के पता चल रहा है इफ गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स एंड सप्लाईज पब्लिक गुड्स इट मे करेक्ट मार्केट फेलियर एज देर विल बी नो एक्सटर्नलिटीज नो इट मे करेक्ट मार्केट फेलियर कॉज्ड बाई फ्री राइडिंग नो इट मे करेक्ट मार्केट फेलियर बिकॉज पीपुल में फ्री राइड सी रूल्स रिगार्डिंग प्रोडक्ट लेबलिंग सिक्स टू करेक्ट मार्केट फेलियर नहीं ये सही है सी इंफॉर्मेशन फेलियर टेंथ इन द लास्ट वन आइडेंटिफाई द इन करेक्ट स्टेटमेंट अ मिनिमम सपोर्ट प्राइज फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स इज अ मार्केट इंटरवेंशन मेथड टू गारंटी स्टडी एंड एट शॉर्ट इनकम टू फार्मर्स ये करेक्ट है अ प्राइस सीलिंग विच इज सेट बिलो द प्रिवेलिंग मार्केट क्लियरिंग प्राइस विल जनरेट एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई दैट्स ऑल्सो करेक्ट एक्सक्लूडिबल पब्लिक गुड्स कैन भी प्रोवाइडेड बाई गवर्नमेंट एंड द सेम कैन भी फाइनेंस थ्रू एंट्रफी दर इज ऑल्सो करेक्ट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पन ऑफ डीमेरिट गुड्स आर लाइकली टू बी लेस देन ऑप्टीमल अंडर फ्री मार्केट दिस इज इन करेक्ट एक्चुअली दिस इज इन करेक्ट वाई बिकॉज अगर तुम ओपन छोड़ोगे डी मेरिट गुड्स को लाइक like एल्कोहल है सिगरेट और ड्रग्स है तो ज़्यादा कंज्यूम होगा कम कंज्यूम नहीं होगा इसलिए डी इज इन करेक्ट ओके एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस का क्विकली पंद्रह मिनट लगेगा पूरा खत्म हो जाएगा ये द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व इन इनोवेशन डेवलपमेंट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन इन इंडिया एनश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स एट रीजनेबल प्राइस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट नेचुरली द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी एन इज द वॉच इन इंडिया वॉच का मतलब क्या होता है फॉर एग्जाम्पल सेबी इज द वॉच फॉर द स्टॉक मार्केट लाइक दैट which controls the prices of the drugs rbi is the watchdog of all the banking system in india correct government has to consider the interest of both the producers and the buyers questions इल्यूसीडेट द मार्केट आउटकम्स इफ मैटर्स रिलेटिंग टू ड्रग्स आर एंटायरलीफ्ट टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री गैस मैं डिस्कस करके छोड़ रही हूँ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि तुम्हें याद हो जाएगा वर्चुअली अगर टाइम नहीं मिला बुक से देखने का वरना मॉड्यूल में अगर पीछे जाके देखोगे उन्होंने अच्छे हिंस दे रखें तो वो हिट्स पिकअप कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है दे आर गुड एक्चुअली ओके सो क्या बोल रहा है साम के अंदर में इफ़ दीज थिंग्स आर लेफ्ट टू मार्केट दैन वॉट विल हैपन इफ दीज थिंग्स आर लेफ्ट टू मार्केट देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोनोपोलाइजेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दैट मैटर एंड ये जो हेल्थ रिलेटेड स्पेषली लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह जैसी चीजें हैं अगर इस पर मोनोपोलाइजेशन होगी बिकॉज अर् अल्टीमेटली मार्केट मैकेनिज्म पे आप छोड़ोगे तो दे वुड बी ओनली बॉर्ड अबाउट मोर एंड मोर प्रॉफिट्स एंड मोर एंड मोर रिटर्न दे वुडेंट बी बॉर्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एट लार्ज एंड बिकॉज ऑफ दोज रीजन इट इज इम्पॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट मस्ट इंटरफेयर इन द मार्केट एंड ट्राई टू प्रोवाइड विथ प्राइस सीलिंग फॉर दैट मैटर ओके प्राइस कुछ प्राइस की सीलिंग होनी चाहिए कि भाई आप इससे ज्यादा इन इन ड्रग्स का आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते कोर्स द गवर्नमेंट विल हैव टू लुक एट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस द एवरेज द एवरेज कॉस्टिंग यू नो काइंड ऑफ हिस्टोरिकली दैन ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी आप ऐसे नहीं बोल सकते किसी को कि भाई आपकी तुम्हारी जो कॉस्टिंग uh, है वो पचास रुपये की है और तुम फोर्टी नाइन में सेल कर दो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कोई नहीं करेगा वो बनाएगा ही नहीं रादर जो बनाने की मोटिवेशन है वो भी खत्म हो जाएगी तो गवर्नमेंट को वो चीज़ को देखते हुए प्राइस को इस तरह से करना है कि कॉस्टिंग भी कवर होनी चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट मोटिवेशन भी uh, उसका होना चाहिए एबनॉर्मल जो मार्जिन ये लोग रखते हैं क्योंकि उनको पता है दीज ड्रग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल ओके दैट पार्ट गवर्नमेंट कैन कंट्रोल ओके तो आई थिंक दिस इज सॉर्टेड अप्रेज द नीड फॉर गवर्नमेंट एक्शन इन द अब केस डू यू कंसिडर गवर्नमेंट एक्शन नेसेसरी इन द केस ऑफ मेडिसन्स वाई बिकॉज इट इज अ मेरिट गुड गाइज इट इज़ अ मेरिट गुड्स एंड मेरिट गुड की खासियत क्या होती है कि पीपल कैन रिजेक्ट यू इफ ए नॉट एबल टू पे एंड यू आर एक्सक्लूडेबल बेसिकली रिजेक्टेबल हो एंड राइवल गुड है आई मीन तुम्हारे कंज्यूम करने से किसी और के लिए कम हो जाता है ओके दैट वे तो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट गवर्नमेंट शुड इंटरवीन सो दैट वी कैन अचीव द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी अगर गवर्मेंट इंटरवीन नहीं करेगी और मार्केट मैकेजम के ऊपर अगर हम इसको छोड़ देंगे तो आई थिंक द रिजल्ट वुड नॉट बी ग्रेट एंड जितनी इनकी कंजम्पशन होनी चाहिए उतनी कंजम्प्शन नहीं होगी लीडिंग टू मार्केट इनफिशियंसी सिम्पल है बहुत मुश्किल नहीं है ये वाला सिर्फ तुमको रिकॉल करना होगा वॉट आर द डिफरेंट पॉलिसी ऑप्शन अवेलेबल टू गवर्नमेंट टू मीट इट्स पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव ओके सो वॉट इट कैन क्या लिख रहा है पता है पॉलिसी ऑप्शन क्या अवेलेबल है या तो गवर्नमेंट खुद मैनुफेक्चर करें इधर बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परपेक्टिव ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी तो या तो गवर्नमेंट खुद इंटरप्रेनर बन जाए और खुद मैनुफैक्चर करे और एक रीजनेबल प्राइस पे सबको दे एक वो तरीका है सेकंडली दे कैन पार्टनर विद द मार्केट मैकेनिज्म और द प्राइवेट कंपनीज फॉर देट मैटर एंड ट्राई टू रेगुलेट द प्राइसेज फॉर देट मैटर बिकॉज दे आर मेरिट गुड्स सो द स्ट्रॉग फीचर्स ऑफ मेरिट गुड्स आर दैट दे आर राइवल

सो दैट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी कैन भी अचीवड तुमको थोड़ा अरेंज करके लिखना पड़ेगा बट ये सारे पॉइंट्स से आएंगे और क्या लिखोगे अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो इम्पॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए और बहुत सब्जेक्टिव होगा इसकी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है शांति से सोचो कि तो बहुत कुछ दिमाग दिमाग में आएगा मैं भी पहली बार देख रही हूँ ऑन द ऑन द स्पॉट जो दिमाग में आ रहा है वो बोल रही हूँ बाकी मॉड्यूल में हिंस देख लेना प्लीज़ फिर लिखा है द ड्राफ्ट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2016 थाउजेंड सिक्सटीन प्रपोजेस की चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स एजुकेशन एक्सप्लेन द रैशनल फॉर गवर्नमेंट एक्शन टू स्ट्रीम लाइन द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट गुड इन एनी इकॉनमी फॉर दैट मैटर इंडिया की क्या बात हो रही है कहीं भी बिकॉज इफ इफ यू से पीपल कैन अवेल हु कैन पे वही आदमी पढ़े जो पे कर सकता है तो ये तो मतलब बिल्कुल ही बाउंसर uh, चला जाएगा दिमाग से कि ये ये सही नहीं है ना बिकॉज अल्टीमेटली इवेंचुअली इन सारे डिस्कशन का एक ही मुद्दा है एंड दैट दैट डिस्कशन पॉइंट और द मेन पॉइंट इज दैट वी वॉन्ट टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड विदाउट एजुकेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल so naturally it is important that government should become a important participant in like providing education to people who cannot afford expensive education for that matter elementary schools वगैरह के education तो बिल्कुल uh, government को बिल्कुल interfere करना चाहिए उसके अंदर में वरना private mechanism के ऊपर अगर वो पूरा dependent होगा again merit goods है वो okay तो so, it will not be possible मतलब consumption जितनी quantity की होनी चाहिए उतनी नहीं होएगी and तुम छोड़ नहीं सकते इट इज डेट्रीमेंटल फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी फॉर दैट मैटर आई होप यू गेट द पॉइंट ओके ये हो गया एंड मैंने शायद कहीं ना कहीं बोला था कि आंगनवाड़ी इफ़ यू नो यू नो आंगनवाड़ी इज़ लाइक लाइक अ मेकैनिज्म वेर इन गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप अपने बच्चों को भेजो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको फूड भी देते हैं वहाँ पे जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फूड भी दिया जाता है तो दिस वुड भी लाइक अ मोटिवेशन टू द पेरेंट्स एंड द किड्स टू सेंड स्कूल एक्चुअली बिकॉज इवेंचुअली द मेन एम इज़ टू गेट पीपल एजुकेटेड मोर एंड मोर पीपल शुड भी एजुकेटेड विद इन अ कंट्री ओके highest literacy rate in india is in kerala if you know at all i'm sure everybody knows felicava the commission for agricultural cost and prices advises the government on minimum support prices of 23 agricultural commodities which comprise 7 cereals 5 pulses 7 oil seeds and 4 commercial crops what is the underlying principle of minimum support price do you think msp is a form of market intervention why of course it is a kind of market intervention because मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मीनिंग होता है दैट सपोर्ट सरकार ने बोला कि भाई अनगवर्नमेंट एजेंसीज़ वो बाय करती हैं तो तुमको एक बात और बता देती हूँ मैं जो मेरे दिमाग में इंस्टेंट अभी आया है कि सरकार ने बोला कि ये जो सपोज़ गेहूं की बात करते हैं वीट राइस समथिंग ओके तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि आपका जो वीट है इसकी मिनिमम सपो मिनिमम प्राइस सौ रुपये होगी ओके अगर मार्केट में इसकी प्राइस सेवेंटी फाइव हो जाएगी तो भी सौ रुपये ही आप चार्ज कर सकते हो तो तुमको लगता है कि कोई भी आदमी उस पर्टिकुलर फार्मर से जाके सौ रुपये में लेगा जबकि मार्केट में सेवेंटी फाइव में अवेलेबल है नहीं ना तो इसका ये भी मतलब होता है साथ में दैट गवर्नमेंट विल हैव टू एस्टैब्लिश प्रॉपर क्या बोलते हैं एजेंसीज उनको हायर करनी पड़ेंगी जो प्रोक्योर भी करें तुम ऐसे ही रूल बना के छोड़ दोगे तो उस रूल को कोई मानेगा ही नहीं ना तो वो समझ आ रही है बात तो बेसिकली सरकार को ही ऐसा करना पड़ेगा कि सरकार ही उन फार्मर्स से वो ग्रेन्स खरीदती है एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस देन ओनली इट इज पॉसिबल अदरवाइज नो बडी एल्स विल बाय एट हंड्रेड रुपीज वैन द मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस इज सेवेंटी फाइव आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट ओके सो दिस इज हंड्रेड परसेंट अ काइंड ऑफ प्राइस इंटरवेंशन एंड दिस गवर्नमेंट डस इन ऑर्डर टू सिक्योर इट इट्स फार्मर्स एंड दिस शुड बी गेटिंग सम ए शॉर्ट इनकम ऑन अ रेगुलर बेसिस बिकॉज ग्रेन्स जो होती है ना वो कमोडिटीज़ के अंदर आती है तुम फाइनल में आओगे तब तुमको पढ़ने को मिलेगा ये ओके एक कमोडिटी साइकिल जैसे जितने भी ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं लाइक गेहूं है चावल है दाल है मेटल्स हैं गोल्ड है सिल्वर है, है सब कुछ इनकी प्राइसेस फ्लक्चुएट बहुत करती है तो उस कैटेगरी को बोला जाता है कमोडिटीज जाकर गूगल में सर्च करना इंडिया में इंडिया में कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग के लिए जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे बी एस है ना वैसे कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग के लिए एम सी एक्स एक एक्सचेंज uh, है ओके okay, जहाँ पे कमोडिटीज़ की बाइंग सेलिंग होती है तो so, ये जो कमोडिटीज़ की कैटेगरी होती है ना ये बहुत फ्लक्चुएट करती है तो so, तुमको लगता है जो चीज़ बहुत फ्लक्चुएट करती है वो अच्छी होती है नहीं उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है तो so, फार्मर का क्या होगा कि कभी कोई साल बहुत ज़्यादा प्राइस पर बेच पाएगा कभी बहुत कम प्राइस पर बेच पाएगा तो दिस इज़ लाइक डिस्टर्बिंग द एश्योरिटी ऑफ द इनकम ओके इन ऑर्डर टू देखो किसी चीज़ को एलिमिनेट नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस फ्लक्चुएशन वॉट गवर्नमेंट कैन डू इस प्राइस इंटरवेंशन विद द हेल्प ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस आई थिंक यू गॉट द पॉइंट ये हो गया फिर लिखा हुआ है वॉट डू यू कंसिडर वाई डू यू कंसिडर फ्री मार्केट्स अनडिजायरेबल फॉर अबव मैंशन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज सी ऑलवेज इट इज़ नॉट गुड टू इंटरफेयर जो चीज़ नेचुरल होती है ना उनको कई बार नेचुरल रहने देना होता है मैं तुमको बता रही थी एक बात लास्ट लेक्चर में शायद तुमको ऐसी लेक्चर मुझे याद नहीं है दैट कितनी एक साल तक फार्मर्स का जो स्ट्राइक थी वो चली इसी चीज़ के लिए तो चली कि सरकार ने कोई पच्चीस साल पहले तीस साल पहले में भी जब इंडिपेंडेंस के बाद फार्मर्स की हालत उतनी अच्छी नहीं थी देन दिस वॉज़ रिक्वायर्ड कि भाई आप आपको कहने का यही मतलब था कि अगर फार्मर है वो हमारी किसी भी कंट्री के फार्मर जो होते हैं वो तुम्हारे स्पाइन होता है अगर फार्मर नहीं हेल्दी रहेगा उसकी इनकम नहीं होगी वो ग्रो नहीं करेगा तो पूरी कंट्री की इकोनमी हिल जाएगी पूरी इसलिए उनको सिक्योर करना जरूरी है एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस देर वॉज अ लॉट ऑफ पॉवर्टी अक्रॉस एवरीवेयर इन ऑर्डर टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे ग्रो फूड फॉर अस तो गवर्नमेंट ने प्राइस इंटरवेंशन किया सो दैट मिडल उनको एक्सप्लॉयट ना कर पाए ओके तो लेकिन अब समय बदल चुका है चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं उनको पता नहीं था हम कहाँ पे जाके बेचें तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सपोर्ट गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट किया एंड बोला कि कोई बात नहीं हम आपसे ख़रीदेंगे ओके एंड गवर्नमेंट फिर उसको उस अनाज को या उस ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करता था अब तो समय लेकिन बदल गया है नब उसकी ज़रूरत नहीं है तो वही सरकार बोली कि भाई अब इस लॉ को हमें हटा देना चाहिए सही है कि गलत है मैं उस पर कमेंट नहीं कर रही हूँ स्ट्राइक किस लिए हो रही थी ये बात कर रही हूँ Why do you consider free markets undesirable for the above mentioned agricultural commodities? Because not.

इतना खुल के लिखने की जरूरत नहीं है थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से लिखना गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नॉट ऑलवेज गुड बिकॉज इट मे लीड टू अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज अल्टीमेटली सरकार कहाँ से खरीदती है जो टैक्स के पैसे सरकार कलेक्ट करती है जिससे और दूसरे अच्छे काम करे जा सकते हैं उनसे ये काम हो रहा है सो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड इट दिस इज इन एफिशेंसी ऑफ एलोकेशन फॉर दैट मैटर ओके नंबर टू देर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिसाइजेशन मतलब तो जो सरकार चाहती है जो एम है वो कई बार नहीं हो पाता बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व एवरीवेयर ओके सो तुम्हें लिखना पड़ेगा अच्छे से अच्छे अच्छे से शब्दों में यू नो यू नीड टू राइट एंड ऑन दैट नोट गैस दिस टॉपिक हैज़ गॉटन ओवर कम्प्लीटली चैप्टर नंबर टू यूनिट नंबर थ्री इज़ ओवर फ्रॉम माई साइड जाके पढ़ो मैंने एक भी पॉइंट तुम्हारे मॉड्यूल का एक भी पेज का मैंने स्किप नहीं किया है इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट यू शूड ऑल्सो टेक सम काइंड ऑफ एफर्ट और अगर कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछा हम रेडी टू हैंडल ओके थैंक यू